दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक नया बैच जिसे हमने नाम दिया है ब्रशअप बैच क्या है दोस्तों इस बैच के बारे में और क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज से नया स्केड्यूल हमारा ओवरऑल क्या रहेगा डिस्कस करते हैं दोस्तों जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनसे वो लाइव इस सेशन को अटेंड कर पाए और उन्हें भी पता लग पाए कि हाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारे नए बैचेज हैं उनकी टाइमिंग्स क्या है और किस टाइम पर हम क्या शुरू करने वाले हैं आई होप आप सभी को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी और वीडियो भी क्लियरली दिखाई दे रही होगी और कुछ भी इश अगर 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 इशू आपको आता है तो आप लाइव चैट के अंदर हमें बता सकते हैं दोस्तों बात करते हैं सिविल वन जीरो वन पर हमने क्या शुरू किया है और सब्जेक्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिविल वन जीरो वन के ऊपर हम सर्वेइंग शुरू करने वाले हैं एक बार फिर से मैं आप सभी को रिमाइंड करवाऊंगा पहले सिविल वन जीरो वन के ऊपर हमने कुछ सेशंस किए थे जिनके अंदर सिविल इंजीनियरिंग पूरी हमने बेसिक से पढ़नी शुरू की थी और वहां पर हमने सीरियल नंबर दिया था उनको लेक्चर नंबर दिया था कि कौन से सेशन से हमने शुरू किया तो वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से हमने शुरू किया था सेशन वन के नाम से इसी तरीके से दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा लेक्चर वन सब्जेक्ट नेम गिवन रहेगा आपको और सब्जेक्ट के अंदर अगर टॉपिक होगा तो टॉपिक का नेम भी उसके नीचे गिवन रहेगा लेक्चर वन से तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से सेशन जो है वो पहले हुआ फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन कौन सा था और उसके बाद अगला सेक्शन जो सेशन था वो कौन सा हुआ ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं दूसरी अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारे बैचेस हैं उनके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सिविल 101 जीरो यूट्यूब के ऊपर सिविल 101 जीरो यूट्यूब के ऊपर सुबह नौ बजे आप सभी को पता है कि हमारा टाइम जो है सुबह नौ बजे मंडे टू फ्राइडे रहता है सिविल 101 के ऊपर और इसके ऊपर हम सर्वेइंग पढ़ने वाले हैं सर्वे हम शुरू करेंगे यहाँ पर इस बैच को हमने नाम दिया बृषभ बैच क्यों दिया ऐसा नाम क्योंकि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले भी सर्वे पढ़ चुके होंगे आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा इस बैच के अंदर

आपने अक्सर देखा होगा अभी रिसेंट जो हमारे एक से दो साल के जो एग्जाम्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो उन एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड या जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनसे पूछे जाते हैं कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके स्टार्टिंग में कुछ इटैलिक्स में अंडरलाइन बोल्ड जो स्टेटमेंट्स दे रखी होती है उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स जो है सारी की सारी पढ़ पाए या उनमें से देख पाएं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो हम इन सेशन

तो इसके अंदर शॉर्ट में हमने पी एस वन टू थ्री एंड फोर एंड सो वन ऐसे रहेगा ये तो इसका मतलब प्रैक्टिस सेशन वन प्रैक्टिस सेशन टू प्रैक्टिस सेशन थ्री तो जिससे कि कभी अगर आपकी कोई स्पेशल क्लास मिस मिस हो जाती है तो उस केस में आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी क्लास जो है वो आपकी मिस हुई है कहाँ तक आपने पढ़ लिया है तो ये आप देख सकते हैं ठीक है तो ऐसे रहेगा यहां पर सब्जेक्ट का नेम फिर उसके बाद एमसीक्यूज है मेंस के क्वेश्चन है कैसा होगा जो भी स्पेसिफिक जानकारी हो आपकी आपके लिए जरूरी होगी वो मेंशन रहेगी यहां पर बैच का नेम रहेगा और साथ में टाइमिंग्स रहेगी तो पी एस वन क्या है टू क्या है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसके बाद दोस्तों बात करें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन रहेगा कि सर्वे सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहां पर और अगर आप पहली बार की आपके ऊपर आए हैं तो इस फ्री सेशन को देखने के लिए के क्या है, है? सिविल पढ़ पढ़ इंजीनियरिंग एक बार पढ़ चुके हैं अभी जो पढ़ रहे हैं उनको तो सब कुछ पढ़ना ही है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए शाम को छह बजे दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं यहां पर ये भी मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगे सैटरडे संडे का मैं स्केड्यूल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सैटरडे संडे हम कुछ अलग कुछ एडिशनल कोई लाइव टेस्ट हो गया कंप्लीट हंड्रेड क्वेश्चंस का हो गया कुछ और स्पेशल सेशंस हो गए वो हो गए यूट्यूब सेशन हो या अगर कभी मास्टर को खुद को कोई काम पड़ जाए कोई पर्सनल तो सैटरडे या संडे में से ऑफ रख सकते हैं अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे का ये स्केड्यूल जो है वो एज इट इज रहेगा ही रहेगा सैटरडे संडे भी हम एक्स्ट्रा को जो काम है वो करेंगे एग्जाम्स आ जाएंगे तो उस टाइम को हम डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे तो अन अकेडमी की स्पेशल क्लास की ही बात हो रही है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर जो फ्री सेशन है उसी की बात हो रही है शाम को छह बजे और ये आज से

या फिर आप अब पढ़ रहे हैं तो आपको रिवाइज करना है आपको खुद से वो सब्जेक्ट रिवाइज करना और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट जो है वो आपके चलेंगे पूरे एंटायर वीक तो हर वीक एक सब्जेक्ट करेंगे एक महीने में चार वीक आप मान के चल लीजिए होते ही चाह रहे हैं तो कुछ एडिशनल डेज भी होते हैं लेकिन हर वीक आप ये मान लीजिए कि मिनिमम टू मिनिमम आपके फोर सब्जेक्ट जो हैं हर मंथ फोर सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे रिवाइज प्लस उनके क्वेश्चंस जो है वो आप कर लेंगे अब वो क्वेश्चन जो है हर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आपने पढ़ रखे हैं टॉपिक से रिलेटेड हैं चाहे एडिशनल की बात कर लीजिए आपको गेट गेटीएस के क्वेश्चन है जैसा भी एक एग्जामिनर दिमाग लगा सकता है क्वेश्चन पुटअप करने के लिए उसी सेम पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद सोल्यूशन तो पहले आपको खुद ट्राई करने का टाइम मिलेगा फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं बना था तो आप उस टाइम के दौरान जो है उसको आप सॉल्व करेंगे और विद इन द क्लास इट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन विद एवरीथिंग रिटर्न अब बात आती है आपको क्या करना है आपको जो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं डे एंड के बाद क्लासेस के बाद आपको कर लेने हैं जैसे अगर हम बात करें तो हमारा स्केड्यूल जो है ओवरऑल कैसे चलेगा उसके बारे में बात करके फिर मैं आपको वो बताता हूं ये जो क्लास है जो हमारी शाम को छह बजे अन अकेडमी की स्पेशल क्लास होगी इसको टाइटल दिया हमने सी टी वन के नाम से ठीक है सी टी वन मतलब क्लास टेस्ट यहां पर ठीक है एज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सी टी क्या है कुछ भी सी टी वन मतलब क्लास टेस्ट वन फिर उसके बाद कल जो सेशन होगा उसको दे देंगे सी टी टू सी टी थ्री एंड सो ऑन जो आगे सीक्वेंस में चलते जाएंगे तो क्लास टेस्ट वन टू क्लास टेस्ट नाम के टेस्ट के नाम से ही क्यों दिया हमने क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको खुद रिवाइज करने हैं आपको खुद पढ़ना है फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो खूब सारे करेंगे अब पढ़ नहीं रखा है बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है जो बच्चा आज पढ़ना शुरू कर रहा है उसने मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं पढ़ रखा है तो आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन आप यूट्यूब की पहले की जो वीडियोस हैं वो देख के आप वो सब्जेक्ट उस दिन के लिए पढ़ के आ सकते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे दूसरा अगर वो भी नहीं करना आप जिस क्लास में आ जाइएगा आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन होगा उनकी सारी जानकारी उसी क्वेश्चन के साथ में ही होगी तो अगर आपको वो बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है तो भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे आपको इजिली चीजें समझ में आएंगी तो ये इसके बारे में रहेगा सब्जेक्ट नेम एमसीक्यूज़ है मेंस के क्वेश्चन है क्या है बैच का नाम टाइम जो है यहाँ पर मैंशन रहेगा और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंशन भी है इन दिस फ्री स्पेशल का टेस्ट सेशन वी शेल डिस्कस अबाउट एडवांस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीज और रिवाइज तो वो हमने ऑलरेडी कर रखा है अलग अलग सभी टाइप के जो सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा प्लस क्लास की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 12 पीएम के ऊपर हम सब्जेक्ट जो है अभी फाउंडेशन इंजीनियरिंग चल रहा है मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ है फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी डीप फाउंडेशन जो है वो चल रहा है शैलो फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है मंडे टू फ्राइडे इसके सेशनस रहते हैं ट्वेल्व पी पर अनअकेडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ये क्लास जो है चलती है ओवरऑल टाइम अब आपके पास ये है सुबह नौ बजे हम पढ़ना शुरू करते हैं और शाम को नौ बजे के बीच तक का हमारा टाइम फ्रेम रहेगा सुबह नौ से दस साढ़े दस ग्यारह हमारा ये टाइम रहेगा यूट्यूब की क्लास के लिए और उसके बाद 12 बजे जो उस प्लस की क्लास है सब्सक्रिप्शन वाली शाम को 6 बजे और 8 बजे स्पेशल क्लास है तो आप ये मान लीजिए बाय 9 पीएम एम आप ये कह लीजिए 9 पीएम से लेके अगर किसी दिन क्वेश्चन तो थर्टी पी एम, तो नाइन पीएम एम से नाइन थर्टी पी एम तक हम फ्री हो जाएंगे इन सेशन से उसके बाद आपके पास अगर आप ग्यारह बजे भी सोते हैं तो एक से डेढ़ घंटा होगा तो इस एक से डेढ़ घंटे के अंदर इन क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे वो आपको रिवाइंड करने हैं वो आपको देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए ताकि आप उन उन को आप आप फिर से आप कर लीजिए यहां पर अगर बात करें सुबह नौ एम उससे पहले आपको क्या करना है मैं मान के चल रहा हूं कि आप बजे 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 सुबह उठ उठ जाते जाते हैं 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 भी नहीं उठते हैं, तो 8 उठ जाते हैं, तो 8 के बाद आपको मिनिमम से मिनिमम हाफ एन आवर जो है वो निकालना ही निकालना है नौ बजे जो हमारा सेशन होने वाला है उसके लिए तो नौ बजे कोई भी सेशन जो शुरू हो रहा है कल क्या हुआ था प्रीवियस डे क्या हुआ था वो आपको सारा रिवाइज करना है वो आपको सारा पढ़कर फिर उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना है और दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कोशिश करिएगा आप लाइव पढ़ें क्योंकि अब हम फास्ट पेस पे चलेंगे थोड़ा जो है पढ़ने की जो हमारी गति है उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि आप सभी इंजीनियर हैं आपकी ग्रेस्पिंग पावर आपकी लर्निंग पावर जो बहुत है बहुत स्ट्रांग है कंसंट्रेशन वाला जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज करना है एक चीज को ऐसे नहीं है कि उसी को पकड़ के बैठे हैं बैठे हैं तो इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है उस टॉपिक के अंदर तो हम

फिर एडिशनल क्वेश्चन एडवास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चाहे गेट के, हो, के हो जो आने वाले आपके स्टेट के भी जो एग्जाम एग एग है है उनके लिए है, उनके लिए इंपॉर्टेंट बारे में बात करेंगे अब कुछ दोस्त जो हैं वो कहेंगे सर मैं सो एंड सो स्टेट से हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है मुझे तो कुछ दोस्त कहेंगे कि सर मैंने तो डिप्लोमा कर रखा है मुझे क्या मेरे लिए ये क्लासेस हैं कुछ दोस्त कहेंगे सर मैंने तो डिग्री कर रखी है डिग्री के अकॉर्डिंग बताइए कुछ दोस्त कहेंगे सर जेई का एग्जाम ही देना है मुझे तो कुछ दोस्त कहेंगे मुझे जेई और एई दोनों देने हैं कुछ दोस्त जो हैं वो कहेंगे कि जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ही रहे हैं तो जेई ए गेट ई या आई आप कह लीजिए सारे एग्जाम जो है मैं देने ही देने हैं तो चाहे आप कोई भी स्टेट से हैं चाहे आप डिप्लोमा या डिग्री होल्डर कुछ भी हैं चाहे आप बात कर लीजिए जेई एग्जाम की एग्जाम की गेट और ई एग्जाम की तो आपको ये सारी क्लासेस लेनी है ठीक है मेरे एंड से मैं आपको यही बोलूंगा आपको ये सारी क्लासेस लेनी है क्योंकि कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके फायदेमंद ना हो आपको सिर्फ जेई की तैयारी करनी है जी मुझे तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं है अभी मैंने सोचा ही नहीं है और मुझे सोचना भी नहीं है मान लीजिए आपने ऐसा सोच रखा है तो अगर आप सिर्फ जेई की भी कर रहे हैं तो ये सारी क्लासेस लीजिए जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए उन्हीं के लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करिए बात खत्म अगर आपको जेई गेट ई एस ई सबके ऊपर जाना है सबके ऊपर जाने के लिए सारी क्लासेस लीजिए फिर अपने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का लेवल है जो आप खुद के एंड पे भी करते हैं जो रिवीजन भी करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं वो सारे लेवल के आप क्वेश्चंस करें सो so, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं बात आती है कि इन क्लासेस की तो इन क्लासेस में मैंने आपको बोल दिया सभी के लिए यूजफुल है सभी के लिए आपको इनमें से कोई भी एग्जाम देना है तो ये क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी अकेडमी की जो स्पेशल क्लासेस है ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज हम करते हैं वो अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा एक बूस्टर की तरह हेल्प करेंगे आपका जो तैयारी का लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आप सारे जितने भी सेशन लाइव अटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टाइमिंग्स जो है आपको पता है कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केड्यूल बना लीजिएगा पेंडिंग कुछ भी मत रखिएगा नॉन टेक के बारे में दोस्तों मैं आपको जल्दी ही अपडेट दे दूंगा कि जो नॉन टेक का पोर्शन है वो हमें कैसे कवर करना है अगर उसके रिगार्डिंग जो है अन की जो एस एस सी जेई ए कैटेगरी है वहां पर डेडिकेटेडली कोई फैकल्टी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए अगर पढ़ा पाई तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा नहीं तो इसका एक और बेटर सॉल्यूशन जो है वो हम आपको बता देंगे हाँ, नोट्स मिल जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं यहां पर नोट्स या पीडीएफ की नोट्स या पीडीएफ जो है आपने यहां पर नीचे जैसे ही ये स्ट्रीम खत्म होगा ये हमारा सेशन खत्म होगा मैंने ऑलरेडी सर के साथ शेयर कर दिया तो आपको पहला कमेंट जो होगा उसके अंदर आपको पीडीएफ स्पेशल क्लासेस सबका लिंक मिल जाएगा नीचे पहले कमेंट के अंदर आपको सारा लिंक जो है इनके मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों सर्वेइंग सर्वेइंग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे बस बात यह है कि लाइव अटेंड करना है आपको जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स से हैं सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करके आप बता सकते हैं लाइव चैट में जो है आपके सजेशन कई बार बहुत सारे होते हैं तो वो ट्रैक नहीं हो पाते हैं ठीक है समझ में आ गया सबको नहीं आप पे नेटवर्क स्लो नहीं है दोस्त यहां सब सब स्मूथ चल रहा है आपका अगर कुछ इश्यू है तो आप एक बार देख लीजिए चेक कर लीजिए फिर हम शुरू करते हैं फ्लूड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। ये जो हमने पूरा ओवरऑल जो स्केड्यूल आपको बताया है इसके अंदर शाम को जो छह बजे की क्लास होगी इस छह बजे की क्लास के अंदर हम हर हफ्ते एक सब्जेक्ट ले लेंगे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस वीक जैसे बिल्डिंग मटेरियल चलेगा तो बिल्डिंग मटेरियल आपको रिवाइज कर देना शुरू कर देने स्टार्टिंग के टॉपिक से ही चल लेंगे सीक्वेंस भी चल लेंगे पहले अगर सीमेंट हमने पढ़ा था तो सीमेंट से ये हम शुरू कर लेंगे तो ऐसे पूरे वीक जो है वो सब्जेक्ट चलेगा पूरे वीक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे उसमें सब कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड बुक्स से कॉम्बिनेशन जो आपके टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आई एस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा उन्हीं के अंदर ठीक है नोट्स का पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया नीचे आपको जैसे स्ट्रीम खत्म होगी पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा और वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक होगा वहां जाके देखेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डे बाय डे आज जो सेशन होगा उसकी अभी मिल जाएगी शाम को जो सेशन हो जाएंगे उनके बाद उनकी मिल जाएगी एंड सो ऑन बिगिन तो दोस्तों बात करते हैं सर्वेइंग की सॉइल करेंगे सर्वे के बाद हाँ जी शुक्रिया दोस्त सॉइल करेंगे इसके बाद करेंगे सॉइल चलो लेट बिगिन तो दोस्तों बात करते हैं सर्वेइंग की सर्वेइंग है क्या सर्वे के अंदर हमें क्या करना होता है आप ये इंफॉर्मेशन जुटानी है डेटा कलेक्ट करना है जानकारिया, लेनी है जानकारियां लेनी किसी भी चीज के बारे में आप हाईवे कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप सर्वे करते हैं आप सर्वे के अंदर क्या करेंगे कि ए प्लेस से बी प्लेस तक कनेक्ट करने के लिए हमें हाईवे जो है वो बनाना है इस हाईवे के ऊपर कितने लोग ट्रेवल करते हैं किस टाइम सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है कैसी कंडीशंस हैं वहां की जगह कैसी है प्लेन टेरेन है हिली टेरेन है रोलिंग है कैसा टेरेन है वहां का बारिश कितनी होती है वहां पर टेम्परेचर कितना रहता है तो सारी डिटेल्स आप जुटा के लाते हैं तो आप बोलते हैं कि वहां का सर्वे किया अक्सर आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी आप देखते हैं कि एक सर्वे के दौरान सो एंड सो ऐसी ऐसी, ऐसी बातें जो है इतना डेटा कलेक्ट किया गया इतनी जानकारी तो सर्वेइंग के अंदर अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम जानते हैं बहुत ही माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल के ऊपर हम देखते हैं अगर हम बात करें अर्थ की तो पूरे अर्थ के बारे में भी हम जानते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा है वहां से शुरू कर लेते हैं अर्थ का सरफेस कैसा है अर्थ के ऊपर जो है वाटर है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमारे सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह देते हैं मीन सी लेवल सी लेवल से कोई चीज कितनी ऊंचाई पर है या कितनी डेप्थ के ऊपर है डिप्रेशन में इसके बारे में बात करेंगे जैसे हम कह देते हैं कि कोई माउंटेन है तो इस माउंटेन की हाइट क्या है तो वो हाइट कहां से बता रहे हैं वो हाइट हम एक रेफरेंस लेंगे ना एक जीरो लेवल वाली कोई जगह जो तो लेंगे कि इस जगह से इतनी हाइट के ऊपर है तो वो रेफरेंस मानते हैं तो रेफरेंस क्या कहते हैं कि जो मीन सी का लेवल है उससे हम मान लेते हैं कि जो समुद्र का लेवल है मीन लेवल मीन लेवल का भी मतलब क्या है कि सी के अंदर भी ऐसे थोड़ी ना है कि वाटर जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है सी के अंदर भी टाइड्स आती रहती हैं तो उनका हम मीन लेवल या मीन हाइट हम कैलकुलेट करके फिर उसके बाद हम कह देते हैं कि इस हाइट से ऊपर कोई भी चीज है जितने हाइट के ऊपर उसको हम कह देंगे उसका वो वो उसकी हाइट है उसका लेवल है या फिर आगे चल के हम बात करेंगे उसके एलिवेशन की या फिर रिड्यूस लेवल क्या है उसके ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो सर्वेइंग के अंदर पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी हाइट पर है कितने डिप्रेशन के अंदर है इनको हम प्रेजेंट करते हैं चाहे हम इन्हें प्रेजेंट करें न्यूमेरिकली चाहे हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके कैसे भी तो फील्ड का जो डेटा है उसको जुटाना और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करना हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसे हम बोलते हैं कि सर्वेइंग है दिस इज सर्वेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव पोजिशन बता रहे हैं ना कि जैसे मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में किसी चीज की हाइट बता रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि कोई रिवर जो है वो डेप्थ कितना है उसका तो वो डेप्थ हम कहा से बताते हैं मीन सी लेवल के हिसाब से कि उसका रिवर बेड जो है वो कितनी हाइट पर या कितने डिप्रेशन पर है इस तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे सर्वेइंग के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव है रिलेटिव पोजिशन बताना पॉइंट की रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट करना तो रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट जैसे कि आप बताते हैं कि आप जिस लेवल के ऊपर खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसकी ओवरऑल हाइट है 60 फीट हाइट है तो आपने कहां से बताया 60 फीट हाइट इस ग्राउंड के लेवल से बताया तो रिलेटिव पोजिशन आपने बता दी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कितने हाइट के ऊपर है यहां पर इसी तरीके से हम और यूज करेंगे फर्दर टू ले आउट और मार्कआउट प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड आपको यहां पर एक प्लॉट है ठीक है आप जो है बहुत बड़ी रियल एस्टेट जो है टाइकून है आपको क्या करना है एक आपके पास बहुत ही बड़ा प्लॉट है या फिर लैंड है वहां पर आप कॉलोनी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ से जो है मेन रोड जाएगी फिर उसके बाद मेन रोड से फिर आगे फर्दर जो है 60 फीट 30 फीट रोड जो है ये जा रही हैं इनके ऊपर आप यहाँ पर ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स बन गए फिर यहाँ पर शॉप्स बना दी मार्केट बना दी एंड सो ऑन तो इसमें आप क्या बता रहे हैं टू लेआउट और मार्क प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है उसके लिए सर्वेइंग की हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर आपको मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है कोई एमबैंकमेंट बनानी है मान लीजिए आपको कोई वाटर बॉडी है उसके अराउंड आपको एम बनानी है तटबंध बनाना है तो आप क्या करेंगे यहां पर उसके लिए आपको सॉइल की जरूरत है वो सॉइल आप उससे मान लीजिए अर्दन एम्बैंकमेंट बना रहे हैं मिट्टी से ही बना रहे हैं आप यहां पर तो कितनी सॉइल की जरूरत पड़ेगी आपको वहां पर कितनी अर्थ की जरूरत पड़ेगी अर्थ शब्द यूज कर लेते हैं हम यहां पर तो अर्थ वर्क की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मान लीजिए कोई कैनाल बनानी है आपको तो कैनाल बनाने के लिए आपको फ्लैट ग्राउंड है आपके पास उसके ऊपर कितना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा आपको कैनाल को बनाने के लिए तो इसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको उसका यहां पर कोई एरिया है उसको कैलकुलेट करना है मान लीजिए इेगुलर बाउंड्री है ऐसे कुछ आपको ओवरऑल इसका एरिया बताना है इसका एरिया क्या है वो कैलकुलेशन आपको करना है तो इनके लिए सभी के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी आपको सर्वे करने की जरूरत पड़ेगी सर्वेइंग के बारे में बात करते हैं अब सर्वेइंग के अंदर देखो मेन मेन जो पिन पॉइंट है उनके ऊपर ध्यान दे, देते हुए चलना आपको फटाफट की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना होता है अक्सर हम पढ़ने बैठते हैं सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कोई भी नोट्स उठाए बुक उठाई उसका पहला पेज पूरा अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ याद कर लिया वर्ड बाय वर्ड सेकंड पढ़ लिया थर्ड पढ़ लिया फोर्थ पेज तक जाते जाते नींद आनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हमने एक से डेढ़ घंटा लगा भी दिया और कुछ खास प्रोडक्टिव उसमें से निकला नहीं तो कुछ चीज़ें होती है फिलर मेटीरियल होता है सपोर्टिंग मटेरियल होता है वो हमारे वो बस उस इंफॉर्मेशन के लिए उस नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है बस लेकिन वो एक्चुअल में उसका डायरेक्ट यूज नहीं आता है इसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं उनके ऊपर आप ध्यान देते जाना मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग मेजरमेंट किसी भी मेजरमेंट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है कि प्लेस ए है प्लेस बी है दिल्ली से लेकर जयपुर मान लीजिए तो तो आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने हाँ पे इनके ऊपर लिख दिया ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 260 किलोमीटर तो आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ये ग्राफिकली हो गया अगर न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली कह देते हैं ए बी इज इक्वल टू टू सिक्सटी किलोमीटर तो बस इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप देखते हैं आप अगर बोलते हैं कि आप इंडिया का क्या खरीद के लाते हैं मैप खरीदते हैं क्या बोलते हैं मैप खरीदते हैं तो स्केल के बारे में बात करते हैं अब स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्या जरूरत है इसकी अगर आपको अपना टेबल जो है अगर अपना स्टडी टेबल है ये रिप्रेजेंट करना हो कि स्टडी टेबल के ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे आपका फोन पड़ा है यहाँ पे आपका चार्जर रखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक्स हैं यहाँ पे आपका एक नोटबुक रखी हुई है इसको रिप्रेजेंट करना है एक चार्ट के 30 की करके आप चार्ट के ऊपर आप बता सकते हैं लेकिन ये तो हो गया तब जब लगभग लगभग आपके पास जो आपका शीट है उसका साइज सेम है और जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं उनका भी साइज सेम है तो आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन आप अगर देखते हैं कोई बिल्डिंग है कोई बिल्डिंग के बारे में आपको उसका लेआउट जो है वो पेपर के ऊपर दिखाना है तो आप पॉसिबल नहीं है ना कि इतनी बड़ी शीट के ऊपर एज इट इज रिप्रेजेंट कर दें तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी स्केल की उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है स्केल की जरूरत पड़ती है कि आप डिफाइन करते हैं कि मैं शीट के अंदर जो एक सेंटीमीटर लिख रहा हूं उसका अर्थ ये है कि वो ग्राउंड के ऊपर एक मीटर को रिप्रेजेंट करेगा तो हम ऐसे लिख देते हैं कि वन सेंटीमीटर जो हमारी ड्राइंग शीट है उसके ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो एक मीटर ग्राउंड के ऊपर जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसी बात हम कह देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि सेंटीमीटर मीटर की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इसको यानी कि वन सेंटीमीटर अपॉन हंड्रेड सेंटीमीटर की फॉर्म में मैं उसको लिख रहा हूं यानी कि वन इज टू हंड्रेड हो गया यहां पर हमारे पास तो स्केल जो है जब बहुत ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं और स्केल बहुत कम हो तो हम क्या कहते हैं जैसे अगर आप मैप बात करेंगे किसी कंट्री का मैप है, मैप देखेंगे अगर आप तो कंट्री का मैप क्या बताएगा आपको 1 10 4, 10 4 ऐसे लिखा हुआ है पावर फोर किलोमीटर अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आप कैसे कर रहे हैं यहां पर तो वन सेंटीमीटर अपॉन टेन रेज टू द पावर फोर किलोमीटर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर मीटर में और फिर उसके बाद टेन रेज टू द पावर टू तो ये वाली वैल्यू आप देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर से मीटर में मीटर से सेंटीमीटर में तो अब आपके पास ये आ गया वन अपॉन टेन रेज टू द पावर नाइन तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई वन अपॉन टेन रेज टू द पावर नाइन की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत स्मॉल हो गया ये स्केल अगर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे थे हम जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पे बात कर लीजिए चाहे आप बात कर रहे हैं किसी कंट्री की ठीक है किसी कंट्री की बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं वहां पे देख रहे हैं अभी ठीक है तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही लार्ज एरिया की तो वहां पे डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा मतलब वो पूरी क्वांटिटी ओवरऑल उतनी कम हो गई तो अगर हम बात करें कि जहां पर हम मैप्स बोलते हैं तो मैप के अंदर स्केल बहुत छोटा होता है जैसे इंडिया का मैप ले लीजिए या फिर अगर एशिया का मैप ले लीजिए तो उनके अंदर अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल होगा स्मॉल स्केल क्यों बोला हमने यहां पर स्मॉल स्केल इसलिए बोला कि वन अपॉन में जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ही बड़ी होती है तो इसे हम बोल देते हैं कि ये कैसा हो गया ये स्केल जो है जो हम स्केलिंग कर रहे हैं ये स्केल स्मॉल हो गया और इसे हम कह देते हैं कि ये लार्ज स्केल है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल कैसे कंपेयर कर रहे हैं वन अपॉन हंड्रेड अपॉइन हंड्रेड बड़ा है एज कम्पेयर टू वन टेन रेज टू दवर नाइन लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस केस में बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए स्केल इतना छोटा हमें लेना पड़ा तो ये आपको यहां पर बताता है कि जब भी हमें अगर हम प्लान कहते हैं जैसे आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे कि मुझे मेरा घर बनवाना है तो वो आपको कहेगा मैं आपको प्लान दे देता हूँ आप इस प्लान को चेक कर लीजिए अगर ये फाइनल होता है तो फिर उसके ऊपर एलिवेशन जो है वो हम बनाना शुरू करेंगे या फिर फर्दर जो भी काम करने हैं वो करेंगे

तो आप इनको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ए से बी का डिस्टेंस लेट से हंड्रेड मीटर है फिर उसके बाद आपने कहा बी से सी का जो है वो वन फिफ्टी मीटर है और ए से सी का जो है वो एट्टी मीटर है आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया और मेथड क्या हो सकते हैं आप एंगल बता सकते हैं कि यहाँ का एंगल जो है वो सिक्सटी डिग्री है यहाँ का एंगल जो है वो फोर्टी डिग्री है ये एंगल जो है आपके पास एट्टी डिग्री है एंड सोफान ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपने इनको रिप्रेजेंट कर दिया अब अगर आपको कोई दो वर्टिकल पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना हो वर्टिकल पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना हो मान लीजिए एक कोई हिल था इस हिल के ऊपर कोई एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां इसी तरीके से एक यहां पॉइंट यहां पॉइंट यहां पॉइंट यहां पॉइंट यहां पॉइंट

तो अब हम कैसे बता पाएंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो ये हम किसकी मदद से बताते हैं ये एक वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस ही हो गया दो पॉइंट्स के बीच की की हाइट बात कर रहे हैं यहां पर तो जो जो इनको हम कंटूर मैप्स उनकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कंटोर होते क्या है इमेजिनरी लाइन होती है ये रियल लाइन एग्जिस्टेंस में थोड़ी ना दिखती है हमें हमारे इमेजिनेशन में हमने बनाई एक ऐसी लाइन जो कि क्या कर देती है सारे सेम हाइट के सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करवाती है यहां पर फिर स्पॉट्स लेवल क्या होते हैं एक इंडिविजुअल पॉइंट की अगर हम हाइट बताते हैं मीन सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर कितने डेप्थ पर है तो हम वहां पर स्पॉट लेवल की बात करते हैं यहां पर कंटूर लेवल कंटूर गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया अगर आपको ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो कंटूर लाइंस के बारे में जानकारी दे रखी हो आपको कि एक आप यहाँ पर फिर ऐसे कुछ इस तरीके से अगर आपको ये कह रखा है कि मीन सी लेवल से ये वाला पॉइंट जो है 110 मीटर की हाइट के ऊपर है ये वाला 90 मीटर की हाइट के ऊपर है ये वाला 80 मीटर की हाइट के ऊपर है ये वाला 50 मीटर की हाइट के ऊपर है तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर से ऐसे हमें पता लग रहा है कि ये हाइट जो है कम होती जा रही है यहाँ पर मीन सी लेवल से ये वाले पॉइंट जो है ये कैसे थे एक मीटर की हाइट पे थे फिर ये नब्बे पे हैं ये ये अस्सी पे हैं ये पचास पे हैं इसका मतलब कि एक डिप्रेशन के बारे में यह हमें बता रहा है यहां पर कि ये वाला पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये 110 मीटर की हाइट के ऊपर था फिर उसके बाद यह 90 के ऊपर था ये 80 के ऊपर थे थे वाले points, ये वाले पॉइंट्स और 50 पे मीन सी लेवल से इतनी हाइट के ऊपर तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हालांकि कंटूर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो दोबारा स्क्रैच से ये सारी चीजें समझेंगे बस हम यहां पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकल मेजरमेंट्स को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कंटूर की मदद से हॉरिजॉन्टल का ऑलरेडी हम देख चुके हैं अब बात आती है दोस्तों शेप ऑफ अर्थ अर्थ की शेप के बारे में जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं बहुत सारी इसके बारे में किसी ने एग्री किया किसी ने डिसएग्री किया सबने अपने अपने पॉइंट रिप्रेजेंट किए उसके बाद जो है अर्थ को अगर हम बताते हैं तो किस किस फॉर्म में हम बताते हैं पहला हम कहते हैं अर्थ की जो शेप है वो ऑबलेट स्पिरड है क्या क्या फैक्ट्स जो है क्या क्या तर्क दिए गए इसके बारे में अगर हम बात करें तो Oblate spheroid. Oblate spheroid का कि जो है, वो क्या कर दिया उसको पोल के ऊपर स्लाइटली फ्लैट कर दिया यहाँ पर जनरली हम अर्थ की शेपुलेशमाल करते, करते हैं तो हमने कहा कि वो स्पेरिकल नहीं है वो स्पेरिकल ना होके कैसी है थोड़ा सा फ्लैट कर दिया पोल्स के ऊपर से यहां से फ्लैट कर दिया गया यानी कि अगर आप देखेंगे डिस्टेंस को तो ये जो आपके पास पोलर एक्सिस है ये वाली जो पोलर एक्सिस है ये छोटी है कितनी छोटी है 43.5 किलोमीटर जो है छोटी है किससे इक्वेटोरियल वाली एक्सिस से इस इक्वेटोरियल एक्सिस से पोलर एक्सिस जो है 43.5 किलोमीटर छोटी है तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे आपसे कि पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस का डिफरेंस कितना है तो 43.5 के आसपास जो है आप बता सकते हैं यहां पर इतना डिस्टेंस है इनके ऊपर तो हमने इसको कहा इस शेप के कारण हमने इसको कहा कि ये ऑबलेट स्पीरोड है ये कैसी है ऑबलेट स्फीरोइड इसकी शेप है यहाँ पर सर्कुलर थोड़े ना बोलेंगे सर्कुलर तो टू डायमेंशन के लिए बोलते हैं यहां पर अगर थ्री डी में बात कर रहे हैं और वो भी तब जब इसके पोल्स जो है वो फ्लैट हो चुके हैं थोड़े से फ्लैटन हो चुके हैं तो इसे कहेंगे ऑब्लेट यहाँ पर फिर उसके बाद आता है दोस्तों इलिप्सॉइड इलिप्सॉइड का मतलब क्या है यहां पर कि इसका इक्वेटोरियल सेक्शन जो है यहां पर अगर इसके इक्वेटोरियल सेक्शन की बात करें यहां की बात करें तो वो कैसा दिखता है आपको वो आपको दिखता है इलिप्टल इन नेचर वो कैसा दिखता है इलिप्टिकल इन नेचर आपको दिखाई देता है आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से इलिप्टिकल वो देखने को मिलेगा यहां पर तीसरा जो बात हम बोलते हैं अर्थ की के शेप को लेकर वो कैसा बोलते हैं कि वो जैसे एग शेप्ड होती है या फिर आप ये कह लीजिए कि नीचे वाला पोर्शन बड़ा है ऊपर वाला पोर्शन जो है छोटा है तो इसका जो सदर्न हेमिस्फीयर है साउथ वाला जो जो हेमिस्फीयर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर के तो ऑबलेट क्यों बोला पोल्स फ्लैट हैं, इसलिए यहां पे इक्वेटोरियल सेक्शन इलिप्टिकल शेप का है सर्कुलर शेप का नहीं है इसीलिए इलिप्सॉइड ओवलॉइड क्यों बोला क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर बड़ा है एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर तो इन तीनों के कारण हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ऐसी ऐसी शेप है इनकी वैसे अगर हम अर्थ की शेप को ऑब्जर्व करें तो जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूर से दिखाई दे रहा है एज इट इज ऐसा भी नहीं है अर्थ की शेप जो है बहुत ही ज्यादा अनड्यूलेटेड है ऐसे कुछ है यहाँ पर या इसे हम कह देते हैं कि इसकी कोई परफेक्ट शेप सी है नहीं इसे हम क्या बोलते हैं जियोइड शेप है इसकी कैसी शेप है जियोइड शेप है तो अर्थ की शेप के बारे में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि अर्थ जो है उसकी शेप कैसी है तो ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे जियोइड तो आपको वो यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स अगर आपको बोले कि अगर फ्लैटन हो गई तो क्या बताना है ऑब्लेट स्फीरोइड बताना है अगर आपको ये कहे कि इक्वेटोरियल सेक्शन इलिप्टिकल है इसीलिए द शेप ऑफ अर्थ हैज बीन स्पेसिफाइड एज तो आपको बताना है। है वो यहाँ पर एज कम्पेयर टू नदन हेमर यहां पर शेप तो होती नहीं परफेक्टली स्पेरिकल है या फिर अगर हम कहेंगे परफेक्टली ये अगर इलिप्टिकल है कैसी है तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस जो हमारे पास सिचुएशन है अर्थ को लेकर उनके अकॉर्डिंग हमने इसको कहा ऑबलेट स्वा इसलिए इलिप्सॉइड क्यों बोला ओविलॉइड क्यों बोला, बोला और undulations बहुत ज्यादा है इसीलिए जियोइड शेप हमने बोल दी कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप इसकी नहीं है फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल इमेजिनरी सर्फेसेस बना लेते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं लेवल सरफेस हम बोल देते हैं जैसे कि आपके पास ऑरेंज होता है तो ऑरेंज के एक तो अंदर वाला पोर्शन होता है पल्प जिसे आप बोल देते हैं उस पल्प के अराउंड जो है जो उसका छिलका होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक लेवल सरफेस है उस ऑरेंज के लिए वो क्या है एक लेवल सरफेस है उसके लिए कि वो उसके बिल्कुल पैरेलल ही चल रहा है यहाँ पर तो इसी तरीके से अर्थ के पैरेलल हम इमेजिनरी सर्फेस अगर हम बना दें तो हमको उनको कह देते हैं लेवल सर्फेस अब हर लेवल सर्फेस का कुछ हाइट होगा जैसे अगर मीन सी लेवल यहाँ पर है तो ये वाला लेवल सर्फेस लेटस से पचास मीटर की हाइट पर है ये वाला हंड्रेड मीटर की हाइट पर एंड सो ऑन तो कोई भी लेवल सरफेस जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए यहां पर कोई बिल्डिंग थी ऐसे अर्थ के ऊपर यहाँ कोई यह बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप से जो सरफेस टच करके जा रहा है उसकी हाइट 50 मीटर है तो हम कह देंगे बिल्डिंग के टॉप की हाइट जो है मीन सी लेवल से 50 मीटर है दैट इज इट तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि लेवल सरफेस जो है वो यूज में आएगा आगे जाके लेवलिंग वाला चैप्टर है 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 उसके अंदर इसका यूज आएगा लेवल लेवल लाइन लाइन क्या होती होती उस सरफेस के ऊपर कोई भी एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं वो एक लेवल लाइन है जैसे ऑरेंज के ऊपर एक लाइन खींच लीजिए बस तो आप समझ सकते हैं कि वो उस लेवल सरफेस के ऊपर एक लेवल लाइन है यहां पर हॉरिजोंटल प्लेन क्या होता है हॉरिजोंटल प्लेन हम बोलेंगे जब भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे इस इस तरीके से पूरी अर्थ की शेप है अब हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो टेंजेंशियल रहेगा अर्थ के सरफेस को कहीं भी अर्थ के सरफेस के टेंजेंशियल जो प्लेन बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां तक बातें सारी समझ में आ रही है सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो आप एक प्लम बॉब होता है इंजीनियरिंग के अंदर एक यूज होता है प्लम बॉब प्लम बॉब की शेप कुछ इस तरीके से होती है नीचे से पॉइंटेड शेप का होता है या कोनिकल शेप का होता है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं उसको तो जब भी आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं फ्रीली हैंग करते हैं तो वो कहां पे पॉइंट करता है अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी के कारण नीचे ही जाएगा वो और ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वो कहां पे पॉइंट करता है अर्थ के सेंटर पे पॉइंट करता है तो जब भी हमने प्लम बॉब को अगर हमने ऐसे सस्पेंड किया तो वो क्या करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है तो ये प्लम बॉब जो लाइन होती है या प्लम लाइन जो होती है उसके हमेशा नॉर्मल रहता है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस नेक्स्ट आता है ग्रेट सर्किल ग्रेट सर्किल का मतलब है इमेजिनरी सर्किल है एक ऐसा सर्किल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ऐसे सर्किल को कहते हैं ग्रेट सर्किल आपने काट दिया अर्थ को यहां पर अब कितने ग्रेट सर्किल पॉसिबल है कितने ग्रेट सर्किल पॉसिबल है इसको इस तरीके से कट कर दीजिए ऐसे कट कर दीजिए इस तरीके से इस तरीके से कैसे भी आपको अर्थ को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है तो वो ग्रेट सर्किल कहलाएगा अब जैसे कि इक्वेटर है या फिर अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये आपके क्या करते हैं अर्थ को दो इक्वल पोर्शन में यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रेट सर्किल इसे कहते हैं अगर आप कोई भी तीन ग्रेट सर्किल है यहां पर तीन ग्रेट सर्किल जो है उनको इंटरसेक्ट करते हैं किस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे मान लीजिए ये आपके पास अर्थ थी ये आपके पास अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर आपने क्या कर दिया एक ग्रेट सर्किल यहां पर बनाया दूसरा ग्रेट सर्किल ऐसे बनाया तो तीन सर्किल जो है कैसा होता है वो आपका ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल होगा अब स्फेरिकल ट्रायंगल आपको इस इमेज से अगर आपको समझ में आता है यहां पर कि वो कैसा होगा क्या ये टू होगा क्या एक प्लेन में होगा नहीं होगा ये कर्वड होगा थोड़ा सा यहां पर तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो कोई भी फ्रूट ले लीजिएगा आप आपके पास कोई एप्पल ले लीजिए उस एप्पल को आप एक बार तो ऐसे कट करिए फिर उसके बाद एक बार आप उसको ऐसे कट करिए तीसरी बार आप उसको इस तरीके से कट करिए जब आप ऐसे कर देंगे तब आपको यहां पर ये यह जो ट्राइंगुलर पोर्शन दिखेगा इस ट्राइंगुलर पोर्शन को आप देख के आप कह सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक स्टेरिकल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सो स्टेरिकल ट्राइंगल क्या होता है कोई पोर्शन ही तो यूज हुआ है जैसे आप देखेंगे यहां पर तो इस ग्रेट सर्किल का ये वाला जो ग्रेट सर्किल था ऐसे जो कट किया जिसने अर्थ को दो सर्फेस में इसका एक पोर्शन ही तो यूज हुआ इसी तरीके से इस वाले का भी तो एक पोर्शन ही यूज हुआ इस वाले का ही एक पार्ट ही यूज हुआ यहाँ पर तो थ्री आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्किल से जो बनता है वो कहते हैं हम स्पेरिकल ट्राएंगल होता है तो स्पेरिकल ट्राइंगल इज अ अगल विच इज फॉर्म ऑन द सर्फिस ऑफ स्वीयर इन्हें हम बोलते हैं ये ट्राइंगल की एक साइड ये ट्राइंगल की दूसरी साइड ये ट्राइंगल की तीसरी साइड ये बोलते हैं तो अभी तक ऐसा कुछ याद करने वाला आया नहीं है जहां पर याद करने वाले पॉइंट होंगे वहां पर फोकस करना अभी सिर्फ कहानियां सुननी है सुनते जाए फिर उसके बाद बात जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल एंगल बोलेंगे. तो स्फेरिकल एंगल क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द ग्रेट सर्किल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला ग्रेट इस वाले ग्रेट सर्किल से यहां इंटरसेक्ट किया यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो दोनों के बीच में जो एंगल आ जाएगा उससे क्या कहेंगे हम स्फेरिकल एंगल हम कहेंगे यहां पर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि length of, side of spherical triangle कैसे डिफाइन करते, है, करते, करते हैं कि ये आर्क जो है अर्थ के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है ये आर्क अर्थ के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है इससे रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल इस स्फेरिकल ट्राइंगल की साइड की लेंथ डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे ये अर्थ के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाती है इससे हम इसको डिफाइन करते हैं ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है तो ये आप याद रखिएगा यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है जैसा कि हम सभी को पता है कि एक प्लेन ट्राइंगल से तो अलग है तो यहां पर सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो है वो क्या होगा वन एटी डिग्री से ज्यादा ही होगा लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल अब बात करें एक लेंथ की यहां पर अब आप ये देखिए फिर से इस डायग्राम के अंदर देखें क्या ये पॉसिबल है कि ये फेरिकल ट्राइंगल जो है इसके एंगल की वैल्यू जो अर्थ के सेंटर के ऊपर बनाए ये वो वन डिग्री हो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर आप जाएंगे कि ये स्फेरिकल ट्राइंगल ऐसे जाके यहां पे जाके इनके इंटरसेक्शंस होते तो भी 180 डिग्री से थोड़ा सा कम तो वो रहता ही रहता तो कोई भी स्फेरिकल ट्राइंगल की एक साइड की बात करें तो उसकी लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं कि अर्थ के सेंटर पर वो कितना एंगल बना रहा है तो अर्थ के सेंटर के ऊपर वो जो एंगल बनाएगा तो वो डिग्री से कम ही होना चाहिए यानी कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्फ़ेरिकल ट्राइंगल शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री नेक्स्ट बात करेंगे ईच एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल हर एक एंगल की बात करें स्फेरिकल ट्राइंगल की तो वो 180 डिग्री से कम ही होगा हर एक एंगल जो है स्फेरिकल ट्राइंगल का यानी कि अब की बार यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहे हैं हम ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से ऑब्वियसली कम ही रहेगा यहाँ पर सम ऑफ थ्री स्फेरिकल साइड्स शुड बी बिटवीन जीरो टू थ्री सिक्सटी डिग्री सम ऑफ थ्री स्फेरिकल साइड्स शुड बी बिटवीन ना तो जीरो हो सकता है ना थ्री सिक्सटी डिग्री हो सकता है जीरो से थ्री सिक्सटी डिग्री के बीच में होगा नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ स्फेरिकल एंगल्स सारे एंगल्स को ऐड कर दीजिए आप यहां पर ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल सारे एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए अगर आप इनको ऐड करेंगे स्फेरिकल एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा क्योंकि एक प्लेन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो प्लेन ट्राइ ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है यहां पर इनका इसका और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास वन डिग्री होता है इनको ऐड करने पर 180 डिग्री और इनको ऐड करेंगे तो 180 से ज्यादा होगा लेकिन 540 से कम होगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहां पर फिर उसके बाद हम कहते हैं कि 180 डिग्री से कितना ज्यादा ये सम आता है लेटेस्ट से सम ऑफ एंगल्स ऑफ फेरिकल ट्राइंगल जो है वो 210 डिग्री आया तो 210 डिग्री जो है 180 से कितना ज्यादा है 30 डिग्री तो इसे हम बोल देंगे कि ये स्फेरिकल एक्सेस है अमाउंट बाय विच सम ऑफ ऑफ एंगल्स ट्राइंगल ंगल स्पेर डिग्री इज कॉल्ड एज स्फेकल एक्सेस इसे हम बोलते हैं स्पेरिकल एक्सेस नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ अ अरिकल ट्राइंगल शुड बी लेस देन टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ देखिए दोस्त तो लैंग्वेज जो आपको चूज करनी है एसएससी जेई के लिए अगर मेंस की बात करें तो ये लैंग्वेज चूज करनी है और उसी में ही लिखना होता है अगर हिंदी चूज की तो हिंदी में ही अगर इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में ही लिखना होगा अगर मिक्स कर दिया तो जीरो हो जाएगा वो आवाज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड एक चेंज और कर लेते हैं अब साउंड वाला सारा सिस्टम अलग है ये फैंटम भी एम्पलीफायर सब कुछ अलग रखा हुआ है आई होप अब कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए इसके आसपास जितने भी उपकरण हैं सबको हटा दिया गया है दो सौ दस कैसे है मान लिया हमने कि दो सौ दस आया मान लिया समझाने के लिए ये आप सिंपली देखो ना एक प्लेन ट्राइंगल के कंपैरिजन में स्फेरिकल ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो ज्यादा ही होते हैं तो इनको अगर आप ऐड करते हैं और मान लिया कि वो 210 आता है तो हम स्फेरिकल एक्सेस अगर पूछा जाए कि इस ट्राइंगल का स्फेरिकल एक्सेस कितना होगा तो अमाउंट विच द सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल एक्सीड बाई वन डिग्री वन डिग्री के अलावा कितना है तो वो स्फेरिकल एक्सेस कहलाता है आगे बढ़ते हैं फटाफट सर्वे को क्लासिफाई करते हैं सर्वे को क्लासिफाई करने का मतलब है कि आप अगर देखते हैं अगर आपको करना है सर्वे अपनी कॉलोनी का आपकी कॉलोनी का सर्वे करना है तो कॉलोनी का सर्वे क्या होगा वो प्लेन सर्वेइंग है उसमें आप ये नहीं कह रहे कि जी हमारी अर्थ की सरफेस जो है वो तो कैसी है वो स्फेरिकल शेप है तो ऐसा अर्थ के कर्वेचर को वहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं आप जब बहुत कम एरिया की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये एरिया तो प्लेन ही है यहां पर यहां पे अर्थ के कर्वेचर की बात नहीं कर रहे लेकिन अगर आप पूरी कंट्री का सर्वे कर रहे हैं आप जो है कॉन्टिनेंट्स का सर्वे कर रहे हैं वहां पे बात कर रहे हैं अगर आप कोई सी का सर्वे कर रहे हैं तो उस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया जाएगा कि यहां कर्व्ड एरिया है यहां पर उसके कर्वेचर को कंसिडर करके बात करते हैं तो प्लेन सर्वेइंग हम जनरली बोलते हैं 200 किलोमीटर स्क्वायर से कम का एरिया होता है तो उस पर हम कहते हैं प्लेन सर्वेइंग है वहां पे अर्थ के के कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा अब कर्वेचर का इफेक्ट है क्या कर्वेचर के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम जब देखते हैं तो हम देखेंगे तो कैसे देखते हैं अगर आप छोटे से एरिया की बात करें यहां से सौ मीटर दूर की बात करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा उसको हमारे विजन के अंदर कोई पॉइंट अगर हमने देखा तो आप वो कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी हाइट के ऊपर है अगर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके आई लेवल के बिल्कुल स्ट्रेट में है अगर वो पॉइंट यहाँ पर लेकिन यही अगर आप अर्थ के कर्वेचर को इफेक्ट करके आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि जी यहाँ से तो मुझे दिखाई दे रहा था तो रेफरेंस में जो डिस्टेंस आएगा आपका वो डिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी कि ये पॉइंट कितनी हाइट पर है क्यों अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट के कारण तो इनको भी पढ़ेंगे हम आगे जाके पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्शन करेक्शन जो कर्वेचर करेक्शन इनके बारे में बात करेंगे लेकिन फिलहाल समझने के लिए काफी है कि प्लेन सर्वेइंग के अंदर एक प्लेन रीजन मानेंगे बिल्कुल फ्लैट सर्फेस मान के करेंगे और जियोडेटिक सर्वेइंग जो हमारे पास होगी उसके अंदर अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा जनरली 195 या कुछ बुक्स में इसको 250 किलोमीटर भी दे रखा है तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया या फिर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इससे कम जो होगा तो प्लेन सर्वेइंग इससे ज्यादा की बात करेंगे तो जियोडेटिक सर्वेइंग होता है जियोडेटिक सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर वही जो स्फेरिकल ट्राइंगल की बात की हमने वो स्फेरिकल ट्राइंगल्स कंसिडर किए जाएंगे अगर प्लेन रीजन की बात कर रहे हैं आप अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिंपल जो आपके प्लेन ट्राइंगल होते हैं प्लेन ट्रायंगल्स के अंदर आप पूरे एरिया को डिवाइड करके फिर उसके बाद एरिया कैलकुलेशन करना है या जो भी आपको स्टडी वहां पर करनी है वो आप कर सकते हैं सो इट इज डन फॉर लोकल सर्विस एंड इट इज डन फॉर बाई सर्वे ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश कंट्रोल विच सर्वज ऑफ रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकल सर्वे की आप बड़े बड़े कंट्रोल पॉइंट आपको बताने ये वाला पॉइंट इस साइट पे ये वाला पॉइंट इस साइट पे ताकि उसके अंदर के जो छोटे छोटे एरियाज है वहां पर आप लोकल सर्वेस कर पाए उनके रेफरेंस के लिए इनकी जरूरत हमें पड़ती है एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट ये है कि अर्थ के सर्फेस के ऊपर अगर आपके पास दो पॉइंट्स है दो पॉइंट ए और बी हैं अगर इन दोनों के बीच की दूरी आप पता करेंगे एक तो करवेचर के अलॉन्ग मतलब ऐसे और एक इनको डायरेक्टली अगर ज्वाइन कर देंगे आप एक तो आप कहेंगे कि इनके करवेचर के अलॉन्ग दूसरा आप इन्हें डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए ऐसे कुछ अगर इसको जूम इन करके दिखाऊं तो एक तो आप कहेंगे कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ऐसे और एक ए से बी ये डायरेक्ट डिस्टेंस तो इनके बीच का जो अंतर आता है अगर आपके पास 12 किलोमीटर की एक आर्क है अगर ये 12 किलोमीटर की एक आर्क आपके पास है यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइंग ऑन अर्थ सरफेस इज ओनली वन सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सबेंडेड कॉर्ड तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होगा ये 12 किलोमीटर माइनस वन सेंटीमीटर होगा अगर ये 12 किलोमीटर की आर्क है तो ये 12 किलोमीटर में से एक सेंटीमीटर कम होगा यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंगल्स इन प्लेन ट्राइंगल एंड एंड ंगल इज वन सेकेंड फॉर ट्राइंगल एट अर्थ सर्फिस एन एरिया ऑफ वन नाइनटी फाइव किलोमीटर स्कवायर अगर आपके पास एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल, इसका एरिया 195 है तो इसके अगर आप एड करेंगे अगर आप सारे एंगल्स को और लेटे की उनकी वैल्यू जो है जो आएगी अगर एक प्लेन ट्राइंगल की वैल्यू हमें बताया कि वो वन एटी डिग्री आती है तो ये 180 और एक सेकंड ज्यादा आएगी 180 डिग्री वन सेकंड या यूं कह लीजिए कि ये होगा 180 डिग्री जीरो मिनट्स एंड वन सेकंड ऐसे कुछ दोबारा से पढ़िए डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंगल्स इन प्लेन ट्राइंगल एंड दो इन स्फेरिकल ट्राएंगल इज वन सेकेंड फॉर अ ट्राइंगल एट आवर्थ सर्फिस हैविंग एन एरिया ऑफ वन किलोमीटर स्क्वायर 195 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो या एरिया हो तो इसी का इसी का 195 प्लेन ट्रायंगल का और इसी में स्फेरिकल का ले लेंगे तो एक सेकंड का अंतर आता है ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछता है तो फिर सर्वे के क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं सर्वे के क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल से हैं इनमें सच कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको सर्वे के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सर्वे के क्लासिफिकेशन में आप बोल सकते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आप क्या कहते हैं किसी एरिया के फीचर्स बताते हैं लैंड फीचर्स आप हाँ वहां के बताते हैं कि ये प्लेन रीजन है ये रोलिंग रीजन है ये माउंटेनियस रीजन है ये ऐसा स्टीप रीजन है बहुत ही ज्यादा ढलान है वहां पर तो ये आप बताते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर फिर अगर किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए आप कर रहे हैं सर्वे जैसे हाईवे बना रहे हैं कोई ब्रिज बना रहे हैं आप कोई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं आप कैनाल बना रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आ जाता है केडेस्ट्रियल सर्वे आता है उसके बाद वो आप यूज करते हैं किसके लिए प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको बताने के लिए आपकी जमीन यहाँ से यहाँ तक है ये आपकी लैंड प्रॉपर्टी है ये आपका प्लॉट है तो कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंदर आप प्रॉपर्टीज जो है उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं वो केडेस्ट्रियल सर्वे के अंदर आ जाता है पानी से रिलेटेड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम उसे बोलते हैं वाटर से रिलेटेड जो भी होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा आप बड़े एरिया की बात कर रहे हैं यानी कि आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की हेवनली बॉडीज को आप स्टडी कर रहे हैं अर्थ को स्टडी कर रहे हैं मार्स को आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे आप कैसा सर्वे कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आप यहाँ पर कर रहे हैं और पर्टिकुलरली हमारी बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर स्टिक रहते हैं कि अर्थ के ऊपर हम जो है लार्ज एरिया के ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं लोकल मीन टाइम और इन सब की बातें हम यहाँ पर करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड हो जाता है जियोलॉजिकल सर्वे में हमारा इंटरेस्ट होता है अर्थ के नीचे क्या क्या है अर्थ का सर्फेस अर्थ की रॉक्स रॉक्स की प्रॉपर्टीज रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो जियोलॉजी के अंदर आ जाता है जियोलॉजिकल सर्वे हम वहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं चेन का यूज करेंगे हम तो अगर चेन का यूज कर रहे हैं सिर्फ सिर्फ लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम कहेंगे चेन सर्वेंगे यहाँ पर जैसे आपके कॉलेज की जो फ्रंट बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है वहां से लेके जहां तक आपकी क्लासेस चलती हैं वहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है बस आपको तो चेन का यूज करके आप बता सकते हैं तो आप कहेंगे चेन सर्वे कर रहे हैं हम फिर आपको बताना है आपके कॉलेज के जो भी बाउंड्री वॉल्स हैं उन बाउंड्री वॉल्स के बीच में एंगल कितना है या फिर आप डिफाइन कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के रेफरेंस में जो है आप कहाँ पर खड़े हैं तो ये अगर आपको बताना है जैसे एक तरफ आपके पास ये है आपके कॉलेज की बिल्डिंग आप यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है तो आप बता रहे हैं कि कितना एंगल बना रहे हैं इनके बीच में आप तो कंपास का यूज करेंगे आप कंपास सर्वेइंग आप वहां पर बता देते हैं या फिर आपने पूरा का पूरा जो आपका प्ले ग्राउंड है उसको अगर आपने प्लॉट कर दिया तो उसके बारे में आप बता रहे हैं यहाँ पर एंगल कितना यहाँ कितना यहाँ कितना यहाँ कितना एंड सो ऑन तो कंपास सर्वेइंग के अंदर आप एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं कंपास का इस्तेमाल करके फिर उसके बाद का यूज होगा लाइट सर्वे आ जाएगा आपके पास निदेन कम्स लेवलिंग अगर हम खुद के घर की भी बात करें तो हमारे घर के अंदर जब भी बारिश आती है तो पानी बाहर क्यों चला जाता है गली में कुछ ना कुछ लेवल का डिफरेंस है तभी तो जाता है तो लेवलिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर ए है ये बी से कितना नीचे है बी सी से कितना नीचे है सी जो है वो डी से कितना नीचे है तो इनके अंदर हम लेवल का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम हम कह देंगे कि उसको इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग लेवलिंग सर्वे हमारा हो गया प्लेन टेबल का आप इस्तेमाल करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग आपने कॉलेज के अंदर किया ही होगा यह हो यहाँ पर ट्राईपॉड स्टैंड और उसके ऊपर जो है बोर्ड होता है आपके पास और पेपर और बिल्कुल सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एलईडेड यूज करते हैं आप यहां पर स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन टेबल सर्वेंग हो जाएगा टेक्योमीटर का यूज करेंगे अगर आप तो टेक्योमीटरी हो जाएगा यहां पर ऑप्टिकल मीन से ऑप्टिकल या लेंस का यूज करके हम वहां पर डिस्टेंसिस को मेजर कर रहे हैं एंगल्स को मेजर कर रहे हैं वो हम बताते हैं फोटोग्रामेटिक अगर हम बात करें बहुत ही लार्ज एरिया की अगर वहां से ऊपर से एलिवेटेड फोटोग्राफ अगर हम लेके उसको हम स्टडी कर रहे हैं वहां पर तो फोटोग्राफ्स आर टेकन फॉर एन एरिया विच आर इनएक्सेसिबल और अब लेस अवेलेबल सर्वे एरिया अगर लाज होता है तो फोटोग्रामेटिक सर्वे का हम इस्तेमाल करते हैं

इस एरिया को अगर स्टडी करके यहाँ की कैलकुलेशन बताई तो जो भी एरिया है वो एरर जो है वो यहीं पर मिनिमाइज हो जाएगा वो पूरे के अंदर पूरी कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पूरे से धीरे धीरे आगे सब पार्ट्स में जाते जाओ या पार्ट्स की तरफ आप जाओ यहाँ पर एरर जो है उसको आप क्या कर देते हो उसी के अंदर मिनिमाइज कर दोगे वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ये रह जाएगा यहाँ पर तो एरर को लोकलाइज करने के लिए वहीं पर रखने के लिए हम होल टू पार्ट जो है बढ़ते हैं फिर उसके बाद आता है कि लोकेटिंग अ पॉइंट पॉइंट बाय टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रेफरेंस कोई भी को आप दो से आप दो से बताएं जैसे कि अगर आपको डिफाइन करना है कि ए और बी और ये आपके पास सी है तो सी को बताने के लिए आपको अगर आपके पास सिर्फ एक ए पॉइंट होता तो आप कैसे बता पाते सी का है तो अगर आप कहते कि सी तो जी दस किलोमीटर दूर है तो सी दस किलोमीटर यहाँ दूर है दस से यहां दूर है यहाँ दूर है कहाँ दूर है दस किलोमीटर तो आप ऐसे कुछ तो डिफाइन करेंगे जैसे आपने कहा कि ए से सी जो है वो टेन किलोमीटर दूर है और बी से वो एट किलोमीटर दूर है तो आप बचपन में मैथ्स में भी तो हम करते थे ना कि अगर आपको कोई पॉइंट जो है सी आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे आप एक आर्क ले लेंगे ऐसे कंपस में हम करते थे ना जो आपके पास होता था ऐसे रख के एक आर्क जो है वो खींच दी यहाँ पर टेन किलोमीटर टेन सेंटीमीटर की यहाँ पर एट सेंटीमीटर की जहां इंटरसेक्ट हो गया वो पॉइंट सी मिल गया तो दो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस से कम से कम उसको लोकेट करेंगे या फिर आप ऐसे बता दीजिए कि आपके पास जो है ये ये पॉइंट पॉइंट ए था आपके पास सी था तो आप कह देंगे कि ए से यहाँ पर अगर ये वाली लाइन थी इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से नाइन्टी डिग्री पे ले लीजिए और फिर उसके बाद टेन किलोमीटर पे आप चले जाइए तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं तो कोई भी दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है आपके पास होने चाहिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए बताने के लिए एंगल्स के थ्रू ले सकते हैं दो एंगल्स के थ्रू भी ले सकते हैं कि आपके पास ए से बी ज्वाइन करने वाली एक लाइन थी फिर आपने कहा कि एंगल ए बी सी जो है वो लेट्स कि वो 45 डिग्री है फिर आपने कहा एंगल बी ए सी जो है ये 60 डिग्री है तो आपने इस तरीके से प्लॉट करके आपने बता दिया कि सी आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो कम से कम दो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जो है आपके पास होने चाहिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में और अगर हम बात करें आज के होमवर्क में अगर आपकी तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है हॉरिजोंटल डिस्टेंस होता है आपके पास, आपके पास पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है एंगल होता है आपके पास और वर्टिकल एंगल अब इन सबको कैसे देखते हैं हॉरिजोंटल डिस्टेंस आप जानते ही हैं सिंपल सा क्या होता है हॉरिजोंटल डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजोंटल प्लेन में आप बात कर रहे हैं बिल्कुल तो उसमें आपको लोकेट करना है वर्टिकल डिस्टेंस की आप बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस में आप कह देते हैं कि ये बिल्डिंग थी एक ए यहाँ पे आपका दोस्त जो है वो खड़ा है तो इससे लेके इस बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में वर्टिकली कितना डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो गया ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया हॉरिजोंटल एंगल की अगर आप बात करेंगे तो हॉरिजोंटल एंगल के केस में आप क्या कहते हैं जैसे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप अपने हाथ कर लीजिए दो भी दोनों हाथों के बीच में एंगल आपका बन रहा है वो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाएगा या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे एक और बिल्डिंग थी तो आपने इस बिल्डिंग को देखा एस इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के बीच में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल की अगर आप बात करेंगे तो वर्टिकल एंगल के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि आप इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप को देख रहे हैं जब इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप को देख रहे हैं अगर आप तो आप यहां से अब जो एंगल बनाएंगे ये एंगल कैसा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के अंदर एंगल हो जाएगा तो ये वर्टिकल एंगल आप देख रहे हैं फिर जल्दी से एक बार इसको रीड करिए और इसको कम से कम एक बार नहीं चार पांच बार रीड कर लीजिए देखिए आप सभी जानते हैं कि एक फुट के अंदर अगर मल्टीपल होता है तो फीट बोलते हैं एक फुट के अंदर ट्वेल्व इंच पर या फिर आप अगर इन जनरल बोलते हैं तो लगभग लगभग सेंटीमीटर के आसपास होते हैं तो वन फुट इज इक्वल टू ट्वेल्व इंच पर थ्री फीट का एक यार्ड होता है जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट पिच आप यार्ड्स में अक्सर सुनते हैं तो थ्री फीट इक्वल्स टू वन यार्ड होता है चेन की अगर हम बात करें तो हंड्रेड लिंक्स जो हैं वो सिक्सटी सिक्स फीट के बराबर होता है या फिर आप उसे

प्रीवियस ईयर ई के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है है वो पूछा गया इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सारा डेटा जो है ये सर्वेइंग की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये टर्म्स यूज होती हैं इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए एरिया की फॉर्म में बात करें अगर तो वन स्क्वायर फुट यानी कि ट्वेल्व इंचज इंटू ट्वेल्व इंचज आपको देखना है तो वन फोर्टी फोर स्क्वायर इंच हो जाएगा यहाँ पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर का वन आर होता है यहाँ पर कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है एरिया जो मैंशन होगा आपको ए आर ई की फॉर्म में मेंशन हो सकता है तो बस इतना याद रखना है 100 स्क्वायर मीटर इक्वल्स आर होता है 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 कई बार ये हमें कंफ्यूज कर सकता हेक्टेयर हमने हमने सुना है, हमने सुना एकर्स लेकिन हमने आर नहीं सुना तो 100 स्क्वायर मीटर इक्वल्स वन आर होता है ये आपको याद रखना है सिक्स फोर्टी एकर्स के बराबर होता है वॉल्यूम की यूनिट की बात करें गैलन या क्यूबिक यार्ड ये थोड़ा सा अलग है गैलन जो है आप हॉलीवुड मूवीज के अंदर सुनते होंगे तो वन गैलन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव मीटर क्यूब होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव क्लियर एंगल की बात करें तो एंगल की यूनिट जो है अब बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल स्क्रैच है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझ रहे हैं इनको हम एंगल की बात करें तो कोई भी दो लाइंस जो है उनके बीच में बताता है या फिर दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इनके बीच में एंगल जो है वो डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर अब एंगल की बात करें तो एक रेडियन की डेफिनेशन आ जाती है यहां पर तो रेडियन क्या होता है अगर मैं बात करूं इस सर्किल की तो आप ऐसे लिखते हैं ना बचपन में कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस आप ये कहते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस तो अगर आप ये कह देते हैं कि ये जो आर्क का डिस्टेंस भी अगर इस रेडियस के बराबर हो जाए एंगल की या एक रेडियन क्या होता है वन रेडियन की डेफिनेशन हम बता रहे हैं जैसे हम कहते हैं ना डेंसिटी तो हम कहेंगे कि वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है एक मीटर क्यूब का जो मास है अगर वो वन के रखते हैं हम तो वो वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो जाती है तो वैसे ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस ले लें हम यहां पर आर्क का आर डिस्टेंस ये ले लें तो आपने क्या कहा कि आर बाय आर यानी कि वन तो इसे कहेंगे कि ये वन रेडियन है तो रेडियन जो है वो क्या होता है आप कहते हैं कि अगर आर्क की वैल्यू रेडियस के बराबर रख दी हमने तब जो एंगल मिलेगा वो हमें वन रेडियन देखने को मिलेगा द रेडियन इज द एंगल बिटवीन टू अ सर्किल विच कट्स ऑफ ऑन द सर्कमेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस दोनों को बोल देंगे। तो तो ये 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 दो के बीच में एंगल कितना है? है, अगर ये भी तो ये भी आ, ये भी आ, ये भी आर आर, 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 तब जो एंगल बन के आता है, वो एंगल क्या कहलाता है वन रेडियन कहलाता है। तीन सिस्टम होते हैं हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेक्सा हमारे पास जिसमें हम कह देते हैं कि एक पूरी, पूरी परिधि ऐसे पूरी सरकम की बात करेंगे तो मतलब क्या हो गया थ्री सिक्सटी डिग्री हो गया यहाँ पर मतलब आपके पास 360 डिग्री डिग्रीज ऑफ आर्क या जो आर्क बनी वो पूरी 360 डिग्री पे गई यहाँ पर वन डिग्री जो है उसको आप 60 मिनट्स ऑफ आर्क बोल देते हैं वन मिनट को 60 सेकंड्स ऑफ आर्क आप बोल देते हैं फिर उसके बाद आता है आपके पास सेंटी सेंटेसिमल सिस्टम वन को हम 400 की फॉर्म में ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में यूज नहीं होता है बस हम बता रहे हैं कि हाँ ये भी एक सिस्टम होता है वन ग्रेड जो है वो हंड्रेड सेंटीग्रेड के बराबर होता है और उसके अंदर वन सेंटीग्रेड जो है वो हंड्रेड सेंटी सेंटीग्रेड के बराबर होता है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आर सिस्टम के अंदर पूरी एक सरकम जो ऐसे इस तरीके से जैसे क्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो वैसे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको तो वन सरकम हम यहाँ पर ट्वेल्व आर से रिप्रेजेंट कर ट्वेंटी फोर आवर से रिप्रेजेंट करते हैं फिर वन आर सिक्सटी मिनट्स और फिर उसके बाद वन मिनट जो है वो आ जाता है आपका सिक्सटी सेकेंड्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग याद रखने वाली चीजें नहीं है बस यूनिट्स ऑफ एंगल है क्या इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बस डेफिनेशन ऑफ रेडियन रेडियन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है अब स्केल्स पे आते हैं स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्केल होता क्या है स्केल की बात करें तो आप जब लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है शीट के ऊपर तो उस केस में भी हमें यूज होता है और अगर आप बात करिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए या फिर आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए बहुत ही छोटा सा कोई सर्किट है उसको रिप्रेजेंट करना है आपको तो आप जैसे देखते होंगे आपके फोन है फोन के अंदर भी जो मदरबोर्ड होते हैं या फिर जो अंदर सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए जो चिप होती है अंदर तो उसके अगर ऊपर सर्किट्स की बात करें तो बहुत ही छोटे होते हैं वो बहुत ही छोटे तो उनको अगर समझाना है रिप्रेजेंट करना है तो आपको बड़े शीट के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो आप जो है स्केल कैसे यूज करेंगे आप कहेंगे कि जो शीट के ऊपर मैंने स्केल यूज किया है वन सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया है लेट से आप कह देते हैं कि वो वन एम एम के बराबर है तो अब आप स्केल यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं कि वन सेंटीमीटर अपॉन वन एम एम का मतलब हो जाएगा वन बाई टेन सेंटीमीटर तो आ गया टेन आपके पास तो स्केल बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं आप यहां पर तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हालांकि ये वाला हमारे काम नहीं आता हमारे काम कौन सा आता है जब हम कहते हैं कि फील्ड के ऊपर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है ब्रिज बनाना है तो ऐसे केसेस में आप शीट जो है हमेशा छोटी रहेगी एज कंपेयर टू एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा तो हम कहेंगे वन सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हंड्रेड मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्केल्स का हम इस्तेमाल करेंगे अब स्केल को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं एक न्यूमेरिकल होता है और दूसरा ग्राफिकल न्यूमेरिकल में मतलब आपने ड्रॉइंग बनाई पूरी और उस ड्रॉइंग को बना के आपने क्या लिख दिया यहां पर आपने लिख दिया कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर तो जो भी ड्रॉइंग को पढ़ेगा आज आपने ड्रॉइंग बना के रख दी फ्यूचर में दस साल बाद जो भी उस ड्रॉइंग को पढ़ेगा वो कैसे पढ़ेगा कि हाँ जी इस ड्रॉइंग को बना रखा है ये पॉइंट ए है ये यह पॉइंट यहां पर कोई बी है यहां पर पॉइंट सी है अगर लिख रखा है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो पांच सेंटीमीटर है तो आप समझ जाएंगे कि जब आप फील्ड पे जाएंगे एक्चुअल में जो पॉइंट कहीं पर ए होगा तो उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब आप चलेंगे तो पांच सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपको कितना चलना है पांच सौ मीटर चलना है तो आपको एक्चुअल में फाइव मीटर चल के आप जाएंगे तो आप पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे क्लियर ठीक है ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं ये न्यूमेरिकल मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या कहते हैं यहीं पर स्केल बना देंगे पूरा प्रॉपर स्केल बना देंगे एक उस स्केल में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे लाइंस बना देंगे यहाँ और हम कह देंगे कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एक सेंटीमीटर है और उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में लिख दिया वन सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा क्यों कर देते हैं ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि विद टाइम क्या होगा मान लीजिए आज जो ड्रॉइंग बनाई वो ड्राइंग श्रिंक हो गई फ्यूचर में जाके मान लीजिए जैसे आपके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ठीक है वो बहुत बड़ी पार्टी बहुत सारा पैसा बहुत सारा सोना बहुत सारा खजाना ठीक है तो वो सारा खजाना उन्होंने क्या किया आपका जो घर है उसके अंदर कहीं पे एक घर है या कोई फार्म हाउस मान लीजिए घर में तो आपको पता लग जाता कोई फार्म हाउस है सीक्रेट उनका उन्होंने वहां पे रख दिया और आपके लिए एक लेटर लिख के वो चले गए कि हाँ सो एंड सो ये लेटर लो और ये जानकारियां इसके बारे में और ये मैप है इसमें पढ़ लेना इसमें खजाना रखा हुआ है लेकिन ध्यान रहे कोई और दिमाग लगाते हैं क्या हुआ तो अगर उन्होंने ग्राफिकल स्केल नहीं दिया नॉर्मल स्केल दे दिया तो क्या होगा उन्होंने लिख दिया वन सेंटीमीटर इजेबल टू हंड्रेड मीटर और फ्यूचर में दस बीस तीस चालीस पचास साल बाद वो शीट जो है वो क्या कर गई श्रिंक कर गई वो श्रिंक कर गई तो शीट पे लिखा तो यही हुआ है कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर आपने इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पर लिखा नहीं हुआ एक्चुअल में बस पॉइंट बने हुए हैं तो आपने मेजर किया से बीच की ए से बी की बीच दूरी कितनी है तो लेट से आपके पास फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर आई जबकि एक्चुअल में उन्होंने जब वो शीट बनाई होगी तो उन्होंने 5 सेंटीमीटर लिखा होगा लेकिन आपको 4.9 सेंटीमीटर यहाँ पर पढ़ने में आया क्यों क्योंकि वो श्रिंक हो गई तो 4.9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे आप जाएंगे अपने फार्म हाउस पे ए से बी आपको जाना था तो आप तो कहेंगे कि 500 मीटर की जगह आप उसको क्या पढ़ लेंगे आप तो उसको 500 मीटर की जगह आप तो कहेंगे कि वो 490 मीटर पे ही है और 490 मीटर पे जाके शुरू कर लेंगे और कुछ और ही मिल जाएगा आपको तो ऐसे नहीं करना इसीलिए ग्राफिकल स्केल जो है वो ग्राफिकल स्केल क्यों हेल्पफुल है ग्राफिकल स्केल इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जो स्केल हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया उसी स्केल के अंदर हमें एज इट इज क्या मिल जाएगा आप उसको रीड आउट कर सकते हैं जैसे ऐसे देख लीजिए यहां पर तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस उन्होंने मेंशन कर दिया कि वो वन सेंटीमीटर कहलाएगा तो फ्यूचर में अगर ओवरऑल पूरी ड्राइंग श्रिंक कर गई तो ये जो स्केल बना हुआ होगा उसके ऊपर वो भी तो श्रिंक कर जाएगा उसी प्रोपोर्शन के अंदर वो श्रिंक कर जाएगा तो श्रिंकेज के, के केस में यहां पर दिक्कत नहीं आती अगर आपने ग्राफिकल स्केल बना रखा हो तो उसके ऊपर तो आपको एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट्स मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस उस टाइम में मान लीजिए आज सौ साल बाद आप उठा के देख रहे हैं वो वो ड्राइंग को तो जब आपने उठाया तो आपने देखा कि यहां से यहां मेजर करने पर 0.9 सेंटीमीटर आ रहा है यहां पर तो 0.9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हाँ अब हमारा ये नया स्केल हो गया अब ड्राॅइंग के ऊपर जो भी उन्होंने मैंशन कर रखा है ये हम आप ये आपका फार्म हाउस था यहाँ पर पॉइंट ए था यहाँ से यहाँ जाना है यहाँ जाना है यहाँ जाना है यहाँ पर पॉइंट बी है तो ये डिस्टेंसिस को मेजर कर लीजिए आप फिर उसके अकॉर्डिंग स्केलिंग करके करेक्ट डिस्टेंस पे आपको पहुंच के फिर उसके बाद वहां पे एक्सकेवेट करके खजाना निकालना है ठीक है अब बात हो गई ये दोनों स्केल्स की मोटे मोटे तौर पर न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है ग्राफिकल स्केल क्या होता है और न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या आती है डेटा की बात करें तो डेटा में टोपोग्राफिकल सर्वे में बिल्डिंग साइट जो है उनके अंदर ये स्केल रेफर होता है कैडेस्ट्रियल मैप में वन सेंटीमीटर से लेके वन सेंटीमीटर को फाइव मीटर से पॉइंट फाइव किलोमीटर तक रेफर करते हैं जियोग्राफिकल के अंदर अगर आप बात करें तो और ज्यादा बड़े एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर वन सेंटीमीटर को पांच किलोमीटर तक में रिप्रेजेंट करके एक तक करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करें वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन से लेकर ट्वेंटी मीटर वर्टिकल के अंदर ये वाली वैल्यू क्रॉस सेक्शन में ये वाली वैल्यू दीज ऑल वैल्यूज आर जस्ट फॉर रेफरेंस मतलब कहीं पे कोई क्वेश्चन कभी कभार अगर कहीं दिख जाए तो रेफर कर सकते हैं कि हां ये डेटा कहां से आया बाकी ऐसा इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है पर ये जरूर पता होना चाहिए कंपेयर करना आना चाहिए छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो स्केल बड़ा होगा लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं तो स्केल छोटा होगा वहां पर जैसा कि मैप्स के केस में हम देखते हैं अब स्केल होता है लेंथ ऑफ लाइन ऑन प्लान अपॉन लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन ग्राउंड जैसा कि हमने कहा कि ड्राइंग या जो आपका प्लान है उसके पूरे एक सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने ऐसे इसको लिख दिया अब न्यूमेरिकल स्केल इसमें भी आगे छोटी सी कहानी है न्यूमेरिकल स्केल के अंदर भी हम कह देते हैं कि न्यूमेरिकल स्केल में आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर कई जगह रिप्रेजेंटेटिव जैसे एग्जामिनर होते हैं अब उनको चाहिए कि नहीं भाई पीछे ही पड़ जाएंगे हम तो बच्चे के तो वो क्या करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रिप्रेजेंटेटिव और कुछ भी कुछ भी एफ से रिलेटेड जो है वो यहां पर लिख देंगे तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम बोलते हैं इसको तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमें हम लिखना हो या फिर आप ऐसे कह लीजिए जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हटा दीजिए जैसे हम ये कह रहे हैं 1 अपॉन रेज टू द पावर सिक्स एक्चुअल स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे तो 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम कहते हैं ये स्केल कैसा है न्यूमेरिकल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला है इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉपरली सीधा सीधा लिख देंगे कि एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन रेज टू टेन किलोमीटर के बराबर है तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल स्केल ग्राफिकल स्केल ऐसे मेंशन कर देंगे शीट के ऊपर ही जिससे पता लग जाएगा कि अगर एक सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये टेन किलोमीटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकल स्केल का एडवांटेज ये है कि अगर मैप जो है वो श्रिंक कर भी जाएगा तो भी उसी स्केल के अकॉर्डिंग मेजर कर करके हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंसिस जो हैं वो कितने रहे होंगे आगे बढ़े मीन सी लेवल की भी बात करेंगे लेवलिंग शुरू करेंगे तब करेंगे चलो फटाफट ये स्केल्स और देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर लीनियर सर्वेइंग शुरू करेंगे हम स्केल्स के अंदर और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इन स्केल से कैसे स्केल को बनाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके सिर्फ जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन एग्जाम की तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनको समझना जरूरी है ताकि वो हमें याद रह पाए इनके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है प्लेन स्केल होता है डायग्नल स्केल होता है फिर उसके बाद बर्नियर स्केल आता है हमारे पास देन आता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्लेन स्केल की तो प्लेन स्केल के अंदर हम कहते हैं वी कैन मेजर टू डायमेंशन सच एज मीटर या सेंटीमीटर तो प्लेन स्केल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है प्लेन स्केल के अंदर एक सेंटीमीटर को मान लिया हमने अब ये कॉलेज की बातें हैं कॉलेज में कैसे ड्रॉ करते हैं तो वो स्टेप्स लिखते हैं हम इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अंदर वहां पर आपको मास्टर जी सिखाते हैं और कई बार आप खुद सीख लेते हैं क्योंकि मास्टर जी बिजी थे तो लेटेस्ट एक द स्केल एज वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू थ्री मीटर वन वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू थ्री मीटर ले लिया और आपने फोर्टी सेवन मीटर के डिस्टेंस को इसके ऊपर ऐसे बना दिया ड्रॉ कर दिया फिर उसने एक तो एक तरफ तो आपने टेंथ वाली यूनिट्स लिख दी या फिर इसको आपने क्या कर दिया सब यूनिट्स जो है वो लिख दी जैसे मीटर्स और डेसीमीटर आपको लिखना था तो मीटर की वन टेंथ यूनिट्स में आपने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो मीटर और डेसीमीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ये स्केल यहाँ से यहाँ तक फोर्टी और फिर उसके बाद इसके

अब आप क्यू आर को यानी कि यहां से यहां तक आप टेन इक्वल में डिवाइड कर दीजिए रिप्रेजेंट कर तो करेगा? करेगा इस पी क्यू का वन बाय टेन को यानी कि यहां से लेके यहां तक कह लीजिए टू टू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टू बाई टेन को थ्री 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 बाई टेन को रिप्रेजेंट करेगा इसी तरीके से नाइन नाइन सेक्शन जो है वो इस पी क्यू लाइन के इंथ वे पोर्शन को नाइन्थ हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा नाइन बाई टेन ऑफ पी क्यू को तो अब डायग्नल स्केल अगर आपको बनाना है तो ये कॉलेज वाली बातें याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी डायग्नल स्केल के बारे में या फिर प्लेन स्केल के बारे में मेन बात याद क्या रखनी है प्लेन स्केल में आपको याद रखना है टू डायमेंशन मेजर कर सकते हैं जैसे मीटर और डेसीमीटर फिर उसके बाद डायग्नल स्केल की बात करें तो यहां ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है थ्री डायमेंशन मेजर कर सकते हैं कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में यह सब सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे इसको टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वन वन रिप्रेजेंट करेगा टू टू इसको रिप्रेजेंट करेगा टेक अ लेंथ ऑफ ट्वेंटी एक पार्ट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा छह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जीरो से टेन उधर ले गए और जीरो से आगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तक यहां ले आए हम फिर उसके बाद उधर वाले पोर्शन को फिर फर्दर हमें यहां पर डिवाइड करना है सब डिवाइड द फर्स्ट लेफ्ट कॉलम लेफ्ट साइड इंटू टेन डिवीजन ऑल्सो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम यहां से टेन डिवीजन में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस पार्ट में इस कॉलम को भी डिवाइड कर लो और फिर वर्टिकली भी डिवाइड कर दो दस इक्वल पार्ट में वर्टिकली भी इक्वली डिवाइड करो वर्टिकली डिवाइड करने के बाद अब टेन इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया अब इस पोर्शन को लेफ्ट वाले से कनेक्ट करो इसको इससे ऐसे डायग्नली ज्वाइन कर दो ठीक है तो डायग्नली ज्वाइन करते हुए चलो इसको इससे ज्वाइन कर दिया इसको नेक्स्ट से ज्वाइन कर दिया तो ऐसे डायग्नली ज्वाइन करते चलते हैं तो डायग्नल स्केल हमारा बन जाता है अब अगर आपको कोई लाइन जो है उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करनी है मेंशन करनी है, करनी है मेजर है तो आप क्या करेंगे यहां पे जैसे 30 से लेके जीरो तक आए तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया अब 30 सेंटीमीटर के वन टेंथ /10 और वन हंड्रेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि डेसीमीटर और आगे हम सेंटीमीटर तक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में अगर हम चलें तो ये यह यहां से लेके यहां तक आ गए हम थर्टी सेंटीमीटर फॉर्म में हो गया ये यहाँ पे हमारे पास अब क्या चले 30 से लेके फिर इसके 1/10th वाले पोर्शन में हम जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड लाइन के ऊपर गए हम क्यों क्योंकि ये इसके ऊपर इस वाली लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा था थर्ड लाइन पे गए फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस पे भी थर्ड पे चले गए तो 30s तक तो यहां रिप्रेजेंट किया 10 20 30 वाले फॉर्मेट में तो 30 तक आ गया फिर उसके बाद एक तो तीन तो थर्टी थ्री हो गया फिर उसके बाद 33 33 33 तक ये यहां पर पहुंच गया तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं कि हमने तीन डायमेंशन मेजर कर ली एक तो ये 10, 10 वाली डायमेंशन, तो थर्टी सेंटीमीटर तक पहुंचे जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी सेंटीमीटर फिर एक वन टू थ्री वाली फिर उसके बाद पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री वाली तो तीन डायमेंशन मेजर कर सकते हैं ठीक है कैसे बनाया दोबारा से देख लीजिए सबसे पहले क्या किया लेट से हमने यहाँ पर ट्वेंटी सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली उसे इक्वल पार्ट्स में सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को फर्दर वर्टिकली टेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक दो तीन चार पांच छह सात और नौ दस फिर इसको ऐसे भी डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर टेन पार्ट्स में फिर ऐसे डिवाइड करने के बाद डायगनली ज्वाइन करवाया इस फर्स्ट वाली लाइन को बिल्कुल एंड वाले से ज्वाइन कराओ सेकेंड वाली को ऊपर की फर्स्ट वाली से ज्वाइन कराओ थर्ड वाली को ऊपर की सेकेंड वाली से ज्वाइन करवाओ ऐसे डायग्नली ज्वाइन करवाते गए तो हमने फर्दर इसको सब डिवाइड कर दिया फिर डिस्टेंसेज को मेजर करना है तो एक लाइन अगर हमारे पास थी तो इस लाइन को यहां से लेके यहां तक देखा तो थर्टी फिर उसके बाद थर्टी वन टू थ्री थर्टी थ्री आगे थर्टी थ्री जो है नेक्स्ट आता है वर्नियर वर्नियर बहुत ईजी है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगर ये समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे ही पूछे जाते हैं वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें तो वर्नियर स्केल के अंदर एक होता है मेन स्केल और एक होता है उसके नीचे

तो वर्नियर जो एक ऐसी डिवाइस है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर ये वाली रीडिंग्स जो आपको ऊपर बता पा रही थी कि ये 1.1 है ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो so ऑन तो आप इसके अंदर भी आप बता सकते हैं कि 1.15, 1.16 एंड सो so ऑन तो आप उसके फ्रैक्शन सबसे छोटे वाली यूनिट का भी आप फ्रैक्शन बता सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डिविजन का भी आप यूनिट बता सकते हैं अब क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम बार बार उसका ध्यान देना आप इसको अगर देखते हैं आपने अगर इसको देखा तो आप ये कह रहे हैं कि जीरो और उसके बाद ये पॉइंट वन के बीच की जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं डिवीजन कह रहे हैं इसे हम क्या कह रहे हैं एक डिवीजन कह रहे हैं तो एक डिविजन योग दूसरा डिवीजन तीसरा डिवीजन चौथा डिवीजन एंड सो ऑन ये वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल के ऊपर भी हम क्या कहते हैं डिवीजन कह रहे है हैं एक डिवीजन इसका वर्नियर का ये दूसरा डिवीजन तीसरा डिवीजन एंड सो ऑन तो डिवीजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम यहां पर और इनमें वर्नियर स्केल यूज क्यों किया वर्नियर स्केल मदद करता है मेन स्केल की जो एक डिवीजन है उसके भी फर्दर पोर्शन को फर्दर रीडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहां पर यह बताता है इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ग्रेजुएटेड स्केल ग्रेजुएटेड का मतलब जिसके ऊपर ये अंकित होते हैं ना ये अक्षर लिखे होते हैं वन टू थ्री फोर यहां पर अब जनरली वर्नियर्स आर यूज फॉर फाइनेस्ट रीडिंग अप टू एंड देन माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप यूज टू रीड वन सेकेंड यहाँ पर ये यह आप बात आ जाती है ये स्केल्स की बात कर रहे हैं जहां पर एंगल्स की मेजरमेंट भी होती है या फिर जो आपके डिवाइसिस होते हैं सर्वे के अंदर उनके ऊपर जो यूज होते हैं प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर ये होता है कि वर्नियर में अगर आप कॉलेज में भी आपने यूज किया होगा स्कूल में अगर आपने यूज किया होगा तो हम ऐसे देखते हैं कि कौन सी लाइन कौन सी दो लाइन ऐसी है जो एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हैं मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं अगर आप क्लियरली देख पाएंगे आप यहां से देखते हुए चलिए तो वर्नियर यहां आके शुरू हुआ अब आपको इन वर्नियर में यह देखना है कौन सी ऐसी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है यहां वाली तो कोई आई नहीं यहां से शुरू हुई ये वाली और ये वाली नहीं कर रही ये और ये नहीं कर रही ये और ये नहीं, नहीं कर रही मतलब एक सीध में एक सीधाई के अंदर कौन सी लाइंस हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर तो कौन सी लाइंस आपको लगभग लगभग क्लोजली बिल्कुल दिखाई दे रही है यहां पर तो ये वाली दिखाई दे रही है लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं एक्चुअल में तो उन दो लाइंस को पता करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल सेम वर्टिकल लाइन में आती हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट आई कैन परसीव विदाउट स्ट्रेन

अगर मेन स्केल पे ग्रेजुएशन दोनों तरफ होती है तो उसे कहते हैं डबल वर्नियर कहते हैं Pines, कितना मुहिन देख सकता है आपका वर्नियर फाइननेस ऑफ रीडिंग और लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर अर्थात आपका ये जो वर्नियर था इसका मेन स्केल का ये जो डिवीजन है ये कितना है और इसका डिवीज़न कितना है वर्नियर का इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये हम कहते हैं लीस्ट काउंट पर बचपन में तो कुछ और पढ़ा था हमने तो जो बचपन में पढ़ा था उस पर भी आएंगे हम वापस से घूम के लेकिन फिलहाल इसकी बेसिक डेफिनेशन पे बढ़ते हैं वो है हमारे पास कि इसका डिवीजन और इसका डिवीजन इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है लीस्ट काउंट कहलाता है फाइनेस और रीडिंग फाइनेस ऑफ रीडिंग और लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर डिवीजन ऑन वर्नियर्स कैन बी लिटल स्मॉलर देन द मेन स्केल और लार्जर देन द मेन स्केल अर्थात जितनी दूरी मेन स्केल के ऊपर इन दोनों लाइन्स के बीच में है उससे ये वाली या तो थोड़ी ज्यादा होगी या कम होगी बराबर तो नहीं होगी या थोड़ी ज्यादा होगी या थोड़ी कम होगी इनके बीच की दूरी ये आपसे कहना चाह रहा है डिवीजन जो है वर्नियर पर या थोड़े ज्यादा या कम अब डायरेक्ट वर्नियर की बात कर रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर और डायरेक्ट वर्नियर के अंदर भी हम कह रहे हैं कि आपके पास डायरेक्ट वर्नियर में स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर इज शॉर्टर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी कि ये वर्नियर की ये जो डिवीजन है ये छोटी रहेगी एज कंपेयर टू ये मेन स्केल की जो डिवीजन है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर इज शॉर्टर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल यहाँ पर इट इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट एन माइनस वन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये छोटी डिविजन हैं तो मेन स्केल की एन माइनस वन डिवीजन ही ऐसे बनाते हैं इसको हम कि इसको रखना है छोटा मेन स्केल की डिवीजन से थोड़ा सा छोटा रखना है कितना छोटा रखना है कि अगर आप ये कह दें यहां पर कि अगर ये मेन स्केल के ऊपर एन माइनस वन डिवीजन बने इतने डिस्टेंस में तो यहां पर एन डिविजन बने तो इसकी एन माइनस वन इसकी एन डिवीजन के बराबर होनी चाहिए ऐसे इतना छोटा इसको हम रखेंगे यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है सबको देन इट इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट n माइनस वन डिविजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ n डिविजन ऑन वर्नियर अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है हमें फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मान लीजिए ये मेन स्केल है आपके पास इसमें आपको डिवीजन कितने दिखाई दे रहे हैं एक दो तीन चार पांच दिखाई दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर मेन स्केल के ऊपर आपको पांच डिवीजन दिखाई दे रहे हैं तो वर्नियर को इस तरीके से बनाओ कि ऊपर आपको इससे एक ज्यादा दिखाई दे जैसे हमने कहा यहां पर एन वन एन माइनस वन डिवीजन जो है वो इसके एन डिविजन के बराबर हो तो अगर ऊपर हम कितने डिवीजन बनाएंगे छह बनाएंगे अगर एक दो तीन चार पांच छ अब अगर सेम डिस्टेंस लेटर से ये सेम डिस्टेंस जो आपके पास है इसी सेम डिस्टेंस में मेन जो आपका स्केल है इस मेन स्केल को तो मैंने डिवाइड किया है पांच ही हिस्सों में और अगर वर्नियर वाले को मैंने सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप ये बताइए कि ये हर एक हिस्सा छोटा ही होगा मेन से तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि जितने भी मेन स्केल के डिवीजन होते हैं अगर मैं उन्हें कहूं कि वो कितने एन माइनस वन है तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक डिवीजन की वैल्यू जो है वो हमने कितने लिख दी यहां पर कि वो एस है वी जो है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर इसकी वैल्यू इतना डिस्टेंस जो है ये कितना है वी है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर ऐसे रेफरेंस के लिए लिख दिया कि यह एन डिविजन थे और एक की लेंथ अगर वी थी ये एन माइनस वन डिविजन थे एक की लेंथ एस थी तो इन्हें इक्वेट कर सकते हैं हम एन इंटू वी शुड बी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एस ये लिखा हमने यहां पर डायरेक्ट वर्नियर को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जितने मेन स्केल के डिवीजन होंगे उनसे कम जो है एक उनसे एक ज्यादा यहां पर वर्नियर आए या यूं कह लीजिए वर्नियर डिवीजन छोटा रखेंगे ताकि जितने वर्नियर के डिवीजन बने एन उनसे कम एक मेन का बने यहां पर तो एन माइनस वन इंटू मेन डिवीजन की लेंथ एन डिवीजन थे वर्नियर पे एक डिवीजन की लेंथ भी इसको इक्वेट करवा दिया इक्वेट करवाने के बाद वी की वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया एन माइनस वन बाय मल्टीप्लाइड बाई एस और क्योंकि यहां पर दोनों को हम लीस्ट काउंट को बोलते हैं एस माइनस बी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले देखी थी कि मेन स्केल का जो डिवीजन होता है माइनस वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लीस्ट काउंट कहलाता है अब इसमें वैल्यू को पुट कर दिया हमने यहां पर बस तो एस माइनस वी की वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया वी की वैल्यू पुट करने पर सिंप्लीफाई करने पर आ गया एस बाई एन अर्थात लीस्ट काउंट किसके बराबर होगा एस बाई एन मेन स्केल का एक डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर मेन स्केल का डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन वर्नियर ये हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर फिर रीडिंग ऑब्जर्व करना रीडिंग ऑब्जर्व करना आई होप आपको पहले से आता होगा नहीं आता है तो आप देख लीजिए कैसे रीडिंग हम लेते हैं रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया आपको पता है सबसे पहले इस जीरो को ऑब्जर्व करना है तो रीडिंग कैसे लेंगे यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ट्वेल्व ट्वेल्व पे आए ट्वेल्व पे आने के बाद ये ट्वेल्व पॉइंट वन ट्वेल्व पॉइंट टू ट्वेल्व पॉइंट थ्री ट्वेल्व हमें पता है कि ये जीरो जो है ये किसके बीच में है ये जीरो बीच में है ट्वेल्व पॉइंट फाइव के और ट्वेल्व पॉइंट सिक्स के तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव और ट्वेल्व पॉइंट सिक्स के बीच में आना चाहिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव और ट्वेल्व पॉइंट सिक्स के बीच में आना चाहिए अब इसमें देखेंगे कि 12.5 हमें पता है कि हमारा आंसर होगा 12.5 समथिंग अब ये जो समथिंग पता करने के लिए क्या करेंगे अब इस बर्नियर स्केल पे चलो यहां से आए जीरो पे आ गए अब इसके ऊपर चलो इसके ऊपर वो लाइन देखो जो आपस में क्वसाइड कर रही है तो यहां पर क्वाइन कर रही है ये वाली लाइन हमें तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन क्वेंसाइड करती हुई दिख रही है तो 12.56 हो जाएगा लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है लीस्ट काउंट बराबर होता है कि मेन स्केल की एक डिवीजन की रीडिंग कितनी है तो डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन डिविजन ऑनियर मेन स्केल की एक डिवीजन डिवीजन क्या है 12 12 12 12 12 तो point one है 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 तो तो ना आपके पास है मेन स्केल की डिवीजन और कितने नंबर ऑफ डिवीजन है इसके ऊपर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हैं वर्नियर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन दस तो जीरो पॉइंट जीरो वन आ जाएगा यहां पर लीस्ट काउंट कितना जीरो पॉइंट जीरो वन इसी तरीके से आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं यहां पर इस तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर तो इधर से आप आएंगे चाहे आप इधर से रीडिंग कर रहे हैं इधर से रीडिंग कर रहे हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा थर्टी थर्टी के बाद यहां से आपको काउंट करना शुरू करना है तो आप देखेंगे तो जीरो कहां पे है इधर से चले 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 जीरो यहां पे जीरो यहां पे देखा तो फोर्टी फोर्टी और फोर्टी वन ये पूरी रीडिंग्स क्या बता रही हैं ये फोर्टी है यहां पर ये फोर्टी वन है ये 42 है ये 43 है एंड सो ऑन 50 तक पहुंचे तो 40 और 41 के बीच में जीरो आ रहा है तो हमें ये तो पता लग गया कि आंसर जो है वो 40 से 41 के बीच में होगा अब आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएं इस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे देखेंगे कौन सी लाइन जो है वो क्वन कर रही है तो आपने यहां पे देखा यहां भी सिक्स लाइन क्विंसाइड कर रही है तो आपने कहा कि फोर्टी पॉइंट फोर्टी और आगे फर्दर पोर्शन जो है वन टू थ्री में तो फोर्टी पॉइंट समथिंग आंसर आएगा

दूसरा आता है रेट्रोग्रेड टाइप का वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर उल्टा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर हम कहते हैं कि आपके पास मेन स्केल की बात करें लेट से हमने यहां पर सेवन डिविजन बना दिए मेन स्केल के तो मेन स्केल के आपके पास कितने डिविजन है एक दो तीन चार पांच छह सात सात डिवीजन आपके पास हो गए अब हम वर्नियर को इस प्रकार से बनाएंगे कि वर्नियर का इससे कम बने एक यानी कि छह बना देंगे यहां पर तो वर्नियर के हमने सिक्स बनाए तो कैसे डिवीजन बनाए हमने इस तरीके से बनाए कि वर्नियर का जो है, अगर के की बराबर होना चाहिए होना चाहिए ऐसा हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इस केस में अब ऐसा तभी तो पॉसिबल है कि अगर वर्नियर के छह है और इसके साथ है कब पॉसिबल होगा कि जब एस की वैल्यू छोटी हो वी से या मेन स्केल का एक डिवीजन छोटा हो वर्नियर स्केल के डिवीजन से तो इन रेट्रोग्रेड वर्नियर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर इज लॉन्गर ये वी ज्यादा है तभी तो ये छह इन सात के बराबर है ये वी की वैल्यू ज्यादा है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल तो इस केस में क्या होता है रीडिंग हम ऐसे लेते आ रहे थे 12 से ऐसे चले 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 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 तो यहाँ पर रीडिंग आई हमारे पास 13.3 पॉइंट यहाँ पर आई 13.4 और अब रीडिंग हमें पता है 13.3 और 4 के बीच में आएगी यानी कि 13.3 समथिंग तो 13.3 समथिंग आएगी अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है अगर हम यहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो अब ये लेफ्ट टू राइट रीडिंग लेते हैं हम इसमें तो इसमें अब आपको लाइन देखनी है कौन सी कॉइन कर रही है तो आपको यहां पर दिख जाएगी चलो आ देखिए अब चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए कर लीजिए ये एन है तो ये एन माइनस वन है या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन एन है तो ये एन प्लस वन हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा कैसे भी लिख सकते हैं हम तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ये एन डिवीजन थे तो ये एन प्लस वन डिविजन होंगे यहाँ पर तो मेन स्केल के डिवीजन एक ज्यादा रहेंगे वर्नियर से क्योंकि मेन स्केल के डिवीजन छोटे हैं वर्नियर के कंपैरिजन में तो भाई हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेन स्केल के एक ज्यादा होंगे किसके कंपेरिजन में वर्नियर के तो वर्नियर के एक की रीडिंग है वी मेन स्केल के जो एक डिवीजन की रीडिंग है एस तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम यहाँ पर एन इंटू शुड बी इक्वल टू एन प्लस और यहाँ से फिर से वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे कि लीस्ट काउंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है लीस्ट काउंट की बेसिक डेफिनेशन है कि डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल का एक डिवीजन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो लिखा v की वैल्यू फिर से इसमें पुट की तो लीस्ट काउंट की वैल्यू यही आ जाती है s/n यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन जो है उसकी वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय कितने डिवीजंस हैं वर्नियर स्केल के ऊपर तो इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 12 से चलना शुरू किया था हमने यहां पर तो 12 से हम कहां पे पहुंचे 13 पे 13.1 13.2 13.3 तो ये वाली वैल्यू थी 13.3 ये वाली वैल्यू है 13.4 हमें पता है आंसर 13.3 और 4 के बीच में आएगा एक दो तीन चार फोर्थ लाइन कॉइन होती हुई दिखाई दी हमें तो हमने कहा थर्टीन पॉइंट आंसर क्या आ जाएगा थर्टीन पॉइंट थ्री वन टू थ्री फोर तो थर्टीन पॉइंट आंसर आ गया हमारा अब काउंट की बात करें तो मेन स्केल का एक डिवीजन क्या बता रहे so तो की वैल्यू कितनी है, है। और वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है टोटल वो टेन है आपके पास तो जीरो पॉइंट जीरो वन आ जाएगा लीस्ट काउंट क्लियर यह आपको आई होप समझ में आ रहा है स्केल ऑफ कोड जो है बहुत सिंपल सा है बस स्केल ऑफ कोड्स में आपको यहाँ पर फिर वही बात कॉलेज वाली कहानियां याद रखने की जरूरत नहीं है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रख लेना स्केल ऑफ कोड जो है वो किसका इस्तेमाल किस लिए लिखते हैं इट इज यूज टू मेजर एंगल और टू सेट ऑफ एन एंगल एंड इज ऑन रेक्टेंगुलर प्रोडेक्टर और ऑन एन ऑर्डिनरी बॉक्स वुड स्केल आपको क्वार ए बनाना है किस तरीके से कि ए बी इक्वल्स टू बी सी हो फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए ए से सी तक कंपस को रखें और फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए ऐसे आठ ड्रॉ कर लीजिए डी तक पहुंच जाइए फिर उसके बाद आपको इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है ए और सी को डिवाइड ए सी इन नाइन इक्वल पार्ट हर एक टेन डिग्री को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये रिप्रेजेंट करने के बाद इनकी एंगल की वैल्यूज लिख देंगे हम टेन से लेके नाइनटी डिग्री फिर एंगल को मेजर कर लिया जाएगा Arc 60 कोड ऑफ इक्वल टू द रेडियस ए बी कोर्ड ऑफ सिक्स करनी चाहिए बस ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है स्केल ऑफ कोड पर ये क्या है बस इतना याद रख लीजिएगा ठीक है अभी के लिए इतना ही रिवीजन कर रहे हैं हम यहां पर और बात करेंगे दोस्तों आज शाम के सेशन की एक बार मैं फिर से आपको और बता देता हूं देखिए जल्दी से एक बार स्केड्यूल को देख लेते हैं हम हमारा स्केड्यूल क्या है ओवरऑल देखिए सिविल वन जीरो वन पर अगर हम बात करें तो सुबह नौ बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन होने वाला है और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसे और डेली सुबह नौ बजे क्लास होगी इसके अलावा आठ बजे इसी का सेशन होगा जो अभी हमने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे शाम को आठ बजे हर टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे एडवांस क्वेश्चन भी होंगे सब क्वेश्चन होंगे सर्वेइंग के शाम को आठ बजे लिंक में आपको मिल जाएगी इस सेशन का जो भी हमारा लिंक होगा स्पेशल क्लास का सेशन आपको जैसे ही ये स्ट्रीम एंड होगी आपको कमेंट में मिल जाएगा छह बजे जो सेशन होगा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ के आना है आपको यहाँ पर और वो फ्री क्लास है स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम उसके क्वेश्चन जो है करने वाले हैं अन अकेडमी का जो प्लस क्लास है उसमें हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग बारह बजे पढ़ेंगे आप कोड यूज कर सकते हैं संदीप डबल वन इस सेशन को पढ़ने के लिए

गोल सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपके पास ऑप्शन रहता है गेट सब्सक्रिप्शन या ट्राइन अकेडमी फॉर फ्री ये सब्सक्रिप्शन वाले जो ये जो स्पेशल क्लासेज होती हैं वो देखने के लिए और सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है आपको कितने ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड देन यू कैन यूज द रेफरल कोड संदीप डबल वन जिससे आपको टेन परसेंट ऑफ भी मिलता है और साथ ही साथ में आपको एक्सेस मिलता है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर थ्रू आउट द कैटेगरी किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास आप देख सकते हैं अगर आप अन अकेडमी ऐप के ऊपर नए हो तो वहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगी थैंक यू सो मच आप सिविल वन जीरो वन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो साथ ही साथ में पी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का वहां पर आपको पी मिल जाएगी इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में